लेक्चर नंबर 69 शुरू हो गया। चार्जिंग प्रोजेक्टर प्रोजेक्टर ऑन कर दो जी मोहतरम। निकाल लें पेज नंबर 807, फिर होमवर्क के सवाल मतलब इंशाल्लाह डिस्कस हो जाएंगे बीच में। पेज 807 90% होमवर्क हो गया था, 90% फिर होमवर्क के मसले। अच्छा किधर है हाँ जी कौन से भाई पेज नंबर पी बॉट मतलब टाइम पे है सारे पी बॉट 60% ऑफ एस और यकम अगस्त 15। जी भाई बता दें क्या पी ने सब्सिडरी को साल के शुरू में खरीदा है या मिड ऑफ ईयर? मिड ऑफ ईयर यकम अगस्त 15। तो इसका मतलब है हमारा जीयर एंड क्या है 30 जून 16। डन। द इनकम स्टेटमेंट्स फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 16 और बिलो सेल कॉस्ट ऑफ सेल जीपी अदर इनकम एडमिन एक्सपेंसेस एंड प्रॉफिट। यार ये क्या आज दिया हुआ है? मुझे ये लग रहा है कि आज प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट का शायद कोई ऐसा सवाल बन गया है कि मैं बोल्डली और चलो डरते डरते यहाँ वर्किंग 3 और वर्किंग 2 और माय डियर वर्किंग 5 ये चीजें मैं यहाँ अनेवा लिख सकता हूँ। ब्लाइंडली कहते हैं अंग्रेज ये फिगर्स, मैं यहाँ आंखें खोल के ब्लाइंडली लिख सकता हूँ। वाई पिछले दिनों क्या गिवन होता था? ट्रायल। पिछले दिनों में क्या गिवन होता था? ट्रायल। आज क्या गिवन है? आज पी एंड एल बी गिवन है और बैलेंस शीट, और आज मेरे ख्याल से पेरेंट और सब्सिडरी का जो प्रॉफिट हम निकालते थे वो याद होगा आपको, पेरेंट और सब्सिडरी का हम प्रॉफिट निकालते थे रूल रूल के सेल माइनस कॉस्ट ऑफ सेल माइनस खर्चे एड अदर इनकम माइनस टैक्स, वो जो लंबे तरीके से प्रॉफिट निकालते थे पेरेंट सब्सिडरी का, शायद वो भी निकालना। और मुझे डर है कि ये मुझे कल लिखना चाहिए था। अच्छा बैलेंसिंग, और मुझे डर है कि आज जो है ये बैलेंसिंग नहीं सॉरी कल क्लोजिंग बैलेंसिंग आई थी ना ओपनिंग तो सवाल में गिवन थी। ये देखें 180 और 80, ये तो कल वाले सवाल में गिवन था ना, ओपनिंग गिवन था, हम कहां तक पहुंचे थे? आज भी शायद मुझे वर्किंग 6 करनी पड़े, मैं बता दूंगा क्यों करनी पड़ेगी, आज भी शायद मुझे वर्किंग 6 करनी पड़े, लेकिन आज वर्किंग 6 में ये प्रॉफिट्स मुझे निकालने नहीं पड़ेंगे, ये एज इट इज फिगर उठा लूंगा, और आज इस वर्किंग के क्लोजिंग मुझे रेड मार्कर से बैलेंसिंग नहीं निकालने पड़ेंगे, बल्कि आज याद करिएगा रेड मार्कर से ये वाले निकालूंगा मैं। डन। तो आज भी वर्किंग 6 हम बनाएंगे, वर्किंग 6 इंशाल्लाह आज के बाद सारे सवालों में बनाया करेंगे। अच्छा वर्किंग 6 क्या होती है? एडजस्टमेंट्स पोस्ट करना। ना, वर्किंग 6 करने से पहले सवाल में कंसोलिडेशन की एडजस्टमेंट्स पोस्ट नहीं करनी होती। डन। तो वर्किंग 6 में कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट्स पोस्ट नहीं करनी होती। ओके अच्छा भाई, पहले गिवन होता था ट्रायल, तो बैलेंसेस कौन से होते थे? ओपनिंग। आज अल्लाह का शुक्र है क्या गिवन है? प्रॉफिट एंड लॉस भी शुक्र है गिवन है, और बैलेंस शीट भी गिवन है, इसलिए ये जो बैलेंसेस आ रहे हैं 800, ये किस दिन के हैं? 30 जून। इनको 30 जून 16 पे लाना पड़ेगा, या ये 30 जून 16 पे पड़े हैं ऑलरेडी? 30 जून 16 पे ऑलरेडी पड़े हैं। डन। तो फिलहाल ज़रा क्लास पूरी होने दें, इन सारी फिगर्स को मुझे सवाल के फेस पे लिखवा दें। आज तो कोई टेंशन लेने की जरूरत है ना, आज तो ऐसे दिखा दें चीज़ें। नहीं चलें बिस्मिल्लाह। एज ऑन कहते समर चले जी। अच्छा शुरू करें।
खुली खुली क्या करते थे वर्किंग्स जब पीएनएल नहीं बनाना होता था? एनसीए में ना दो दो लाइनें ज्यादा नहीं होती आमतौर पे, ज्यादा छोड़नी होती, तीन लाइनें छोड़ दिया था। चलो कैमरा ना तो लेके जाओ, छोड़ो। बताएं जी पीपी 700 प्लस 600 और इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी 200, इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी 200। अच्छा, ये इन्वेस्टमेंट ना मैं किसी वजह से इधर लिख रहा हूँ, बाद में एट कॉस्ट ही होती है हमेशा। इन्वेस्टमेंट्स कभी भी फेयर वैल्यू पे आए आपने लेके जानी होती है। जो जो शेयर खरीदे होते हैं सब्सिडरी के पेरेंट ने, इसमें जो सोदी किंग को पैसे दिए होते हैं बस उसी पे पड़ी होती है। अच्छा, इसमें 200 में इधर लिख रहा हूँ किसी वजह से, और फिर मैं आपको बताता हूँ क्यों। फिर इंशाल्लाह ले जाऊंगा 200 में से, अगर सोचते सारी 200 इधर ले जाऊँ। करंट एसेट 725, गुडविल की जगह छोड़ देते हैं। करंट एसेट जी कितने? 725, 393। शेयर कैपिटल 750। आगे बोले, रिटेंड अर्निंग, हाँ जी, और इसकी जी आगे लोन पेबल टू पी, सब्सिडरी कह रही है लोन पेबल है पी से, तो सब्सिडरी की देखें लाइबिलिटीज में नजर आ रहा है लोन पेबल टू पी, ये भी लिख लें इसको, फिर कैंसिल कर देंगे एंड पे। इनर कॉलम में लिख लेते हैं लोन पेबल टू पी, इनर कॉलम में, एंड इन करंट लाइबिलिटीज। अच्छा जी, दो क्लास से पहले उर्दू लिखवाई थी, वो जल्दी से बता दें क्या थी? नहीं, जिस तरह लिखवाई थी उस तरह जरा मुझे पीएनएल बैलेंस शीट का कटा सवाल आएगा, तो पहले बैलेंस शीट बना के टैली करेंगे और फिर पीएनएल के सवाल की तरफ मूव करेंगे। आगे, अगर सवाल में ओपनिंग रिटेन अर्निंग गिवन होंगी तो उससे किस रिटेन अर्निंग की तरफ पहुंचेंगे? वर्किंग सिक्स करके। लेकिन अभी ऑलरेडी आज हमें क्या गिवन थी? क्लोजिंग रिटेन अर्निंग, हमें ऑलरेडी क्लोजिंग रिटेन अर्निंग गिवन, तो शायद वर्किंग सिक्स किए बगैर ही मैंने ये फिगर्स आज लिख दी हैं। जब इसका सोल्यूशन मैंने कर दिया अपलोड, कितने मैंने देख लिया था कल वाले टेस्ट का, चलो यकीन कर लो, छोड़ो। ओके, कर मान जाए यार। अच्छा जी, जो हजरात लेट आए हैं, लेट आने वाले उधर देखी जा रहे हैं, भाईजन देख लो इधर एक मिनट। जो हजरात लेट आए हैं, कल वाले सवालों में ट्रायल दिया होता था, आज वाले सवाल में प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट दी हुई है। इस वजह से बैलेंस शीट के बैलेंसेज ऑलरेडी क्लोजिंग होते हैं, तो हमें क्लोजिंग रिटेन्ड अर्निंग्स निकालनी नहीं पड़ी, वो ऑलरेडी अवेलेबल थी, बस ये डिफरेंट था। और हमें प्रॉफिट एंड लॉस बनाना नहीं पड़ा सेल माइनस खर्चे वगैरह माइनस करके, प्रॉफिट एंड लॉस भी उसने खूबसूरत सा दे दिया था। अच्छा जी, एक इशू है सवाल में, पहले तो हम बैलेंस शीट का सवाल करें ना। सब्सिडरी कह रही है मैंने 10 रुपये लाइबिलिटीज में शो किया हुआ, सब्सिडरी कह रही है मैंने 10 रुपये, भाई इधर देखना आखिर में, भाई कैपल इधर देखे ना, सब्सिडरी कह रही है मैंने 10 रुपये किस में शो किया हुआ है? लाइबिलिटीज में। तो हम पेरेंट की बुक्स में गए और हमने ढूंढने की कोशिश की लोन रिसीवेबल 10 रुपये का, लेकिन पेरेंट्स की बुक्स में ये लोन रिसीवेबल मैंने अपनी तरफ से लिखा है, ये सवाल में नहीं दिया हुआ। अगर सब्सिडरी कह रही है कि मैंने उधार वापस करना है 10 रुपये का, तो पेरेंट को एसेट साइड पे शो करना चाहिए कि मैंने तुम्हें उधार दिया भी हुआ है, ठीक है जी। तो पेरेंट ने उधार दिया हुआ है, सब्सिडरी ने उधार लिया हुआ है, ये एक मसला था जो सवाल के फेस से नजर आ रहा था और जो आज तक अल्लाह का शुक्र है मसला नहीं आया था, क्योंकि आज तक पेरेंट की किताबों में लोन रिसीवेबल नजर आ रहा होता था। इसका हल बड़ा आसान सा है, सवाल वाले ने कहा यार परेशान ना हो, मैंने खुद मसला पैदा किया ना, तो मैं इसका हल पेश करता हूं। इन्वेस्टमेंट इन एस, कहते ये जो फिगर है ना 200 की नजर आ रही है, कहते इसको आपने गहराई से देखना है,
इसमें मैं आपको बताता हूं क्या पढ़ा हुआ है। इन्वेस्टमेंट इन एस इंक्लूड इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर्स ऑफ एस, इट मींस लोन इज प्रोवाइडेड बाय पी। अभी डिबेंचर के लफ्ज को ना देखें, छोड़ें इन डिबेंचर, इट मींस लोन इज प्रोवाइडेड बाय। अब आप मुझे बताएं ये 10 में जो ब्लैक में आपके सामने लिखा है, क्या इसको मिटा दूं? क्योंकि ये 10 ऊपर वाले 200 में पड़ा हुआ है, अगर आपकी इजाजत है तो 10 को मिटा दूं। तो 10 200 में पड़ा हुआ है, मुझे नहीं पता सही पड़े या गलत पड़े, कम से कम ये एग्री कर लें कि पड़ा हुआ है ये 10 200 में। इस 200 में 10 पड़ा हुआ है और 10 का नाम क्या है? लोन रिसीवेबल फ्रॉम एस इन द बुक्स ऑफ पी। चलिए जी नोट कर लें, इस 200 में 10 पड़ा हुआ है, ये मैं किस पॉइंट ने बताया जी? पॉइंट वन ने बताया। अच्छा ये जो डिबेंचर्स है ना, ये भी आपको समझने की जरूरत नहीं है। डिबेंचर्स ना इंशाल्लाह हम IFRS 9 में बड़ी डिटेल से पढ़ेंगे और फिर हमें समझ आएगा कि डिबेंचर बाय करना क्या होता है, ये क्या चीज़ है जो बाय की जाती है। हमें तो बनाना बाय करना, हमें तो बिस्किट बाय करना समझ आता है, डिबेंचर बाय करना क्या होता है? तो इस बात को भी आप छोड़ दें, ये बात अभी मैं डिस्कस नहीं कर रहा। IFRS 9 में लिख लें डिबेंचर्स की डिस्कशन होगी, जिससे ये भी लफ्ज़ इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगा डिबेंचर्स में इन्वेस्टमेंट की है ये होती क्या है। अभी सारी बात को छोड़ें, अपनी पुरानी जो लॉजिक है उस पर चलें। सब्सिडी की किताबों में क्या आ रहा है? डिबेंचर लिखना पड़े। सब्सिडी की किताबों में क्या आ रहा है? लोन पेएबल टू पी। तो पेरेंट की किताबों में क्या नजर आना चाहिए? लोन रिसीवेबल। लेकिन लोन रिसीवेबल किसमें छुपा हुआ है? इन्वेस्टमेंट में छुपा हुआ है। क्या करें भाई, इसका थोड़ा विंग्स ऊपर कर दो। तो इन्वेस्टमेंट से इसमें निकाल दें, निकालें कैसे बता दें आप बोलें। अच्छा अगर लंबा चौड़ा काम करना है तो मैं कर देता हूं, कोई मसला नहीं। लंबा चौड़ा काम देखें, इन्वेस्टमेंट में से निकाल लें 10 और आप कहें ये इन्वेस्टमेंट नहीं है और असल में ये क्या है? लोन रिसीवेबल। ये तो मेरे ख्याल से शायद एक रेक्टिफाइंग एंट्री बनी है, ये कंसोलिडेशन की एंट्री नहीं है। अब आप ब्लू मार्कर से कंसोलिडेशन की एंट्री करना चाहते हैं तो वो कर लें -10 -10। थोड़ा सा काम मैंने लंबा किया है मुझे पता है, लेकिन कॉन्सेप्चुअली बड़ा अच्छा हो गया। थोड़ा सा काम जरा मैंने लेंथी किया है। किस क्यों काम लेंथी लग रहा है आपको? लोन रिसीवेबल किसमें पड़ा हुआ था तो मैंने क्या किया, मैंने कहां से निकाला? इन्वेस्टमेंट से। और किस अकाउंट में डाला? अब दिखने में अच्छा लग रहा है। अच्छा आप जरा नजर मारें, ये तो मैंने गलती सही कर दी ना, आप जरा नजर मारें मसला क्या हुआ है। एक की किताबों में 10 का रिसीवेबल नजर आ रहा है और दूसरी की किताबों में 10 का पेबल नजर आ रहा है, ये नजर नहीं आना चाहिए। तो इसको आप कंसोलिडेशन की एंट्री कहेंगे या सवाल की एरर सही की है? सवाल की एरर सही है। तो सवाल सही हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। अब ब्लू मार्कर से गुडविल की जगह खाली है, इसमें इधर गुडविल लिख देंगे इंशाल्लाह। हम ऐसा कर लेते हैं, ये ब्लू मार्कर से ना डिफरेंट मार्कर से आप लोग कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट कर लें। डन। अच्छा एक काम साथ ही करा दें, बाकी 190 को भी फारिग करें ना। 190 को कहाँ ले जाएं आप? बाकी 190 को बोले बोले 190 बाकी बचाना, क्योंकि मैं चाहता हूँ यहाँ जीरो आ जाए। तो 190 को यहाँ से निकालें, 190 बचाना। अगर ऐसे समझ नहीं आ रहा तो लिख देता हूँ 190 बचा। तो इस 190 को क्या करें आप? आउट ऑफ कॉलम में तो शो नहीं कर सकते, वर्सेज वाली कैलकुलेशन में लेके जाने। तो 190 को यहाँ से माइनस कर दें ताकि यहाँ के आ जाए जीरो आ जाए। तो इन्वेस्टमेंट इन एस बोले कितनी है एक्चुअली? उसमें हमने उसे थोड़ा सा लोन दिया हुआ था और बाकी ये इन्वेस्टमेंट्स थे। चलेंगे पॉइंट वन हमारा खत्म हो गया। इस पॉइंट वन का ना P&L पे कोई इंपैक्ट नहीं होगा, क्योंकि इन्वेस्टमेंट एसेट नेचर का अकाउंट है, लोन रिसीवेबल एसेट नेचर का अकाउंट है, लोन पेएबल भी एसेट नेचर का अकाउंट है, तो इसका P&L पे कोई इंपैक्ट नहीं होगा। P&L में कौन सी एडजस्टमेंट्स होती हैं? हैंड रिटन पेज 7 वाली। एक मिनट नोट कर लें, अगर फोर्थ रो में एक जगह बना लें। अच्छा जी वर्किंग सिक्स करवाएं मुझे। वर्किंग सिक्स क्यों करेंगे मैं बता देता हूँ थोड़ी देर में क्यों करनी है, लेकिन करवा दें वर्किंग सिक्स। आज मुझे बताएं, जरा मैं क्लास पूरी होने का वेट करता हूँ इसलिए वर्किंग सिक्स अब मैं शुरू करता हूँ। मुझे ये बताएं रिटेन्ड अर्निंग्स कौन सी हैं आज? शुक्र है ऑलरेडी 30 जून की हैं। अब मैं चाहूँ तो 30 जून की रिटेन्ड अर्निंग से 1 जुलाई 2015 की रिटेन्ड अर्निंग पे पहुँच सकता हूँ। चलें स्टार्ट वर्किंग सिक्स। मिसिंग फिगर्स,
जी। जी बिल्कुल, डिविडेंड भी वर्किंग सिक्स में आएगा और वो आज मैंने डिस्कस करना है। यकम जुलाई, ये मुझे याद कराइएगा, मैं आज रेड मार्कर से नोट करूंगा क्योंकि ये बैलेंसिंग आएगा। आगे चलें जी। इसमें ना एक लाइन आपने डिविडेंड के लिए छोड़नी है, वो मैं बताऊंगा क्यों। क्लोजिंग 30 जून, यार ये क्लोजिंग आएगा बैलेंस शीट से, तो बैलेंस शीट में जाके देखें 800 और 430, और प्रॉफिट आपको मिलेगा पी एंड एल से 410 और 180। मोहतरा में तो डिविडेंड भी आएगा इफ रिकॉर्डेड बाय अकाउंटेंट, अगर अकाउंटेंट ने रिकॉर्ड किया है, अगर अकाउंटेंट ने रिकॉर्ड नहीं किया तो नहीं आएगा। इफ रिकॉर्डेड लिखें बाय अकाउंटेंट, अगर अकाउंटेंट ने रिकॉर्ड किया है तो आएगा, वरना नहीं आएगा। डन। अच्छा जी, डिविडेंड अनाउंस कौन कौन कर सकता है? पेरेंट भी अनाउंस कर सकता है और सब्सिडरी भी अनाउंस कर सकती है। आज एक बहुत बड़ी बात करने लगा हूं, जब से क्लासें शुरू हुई हैं तब से मैंने पेरेंट की अनाउंसमेंट ऑफ डिविडेंड नहीं कभी बताई कि पेरेंट ने डिविडेंड अनाउंस किया है। अच्छा, जब सब्सिडरी डिविडेंड अनाउंस करेगी तो इसके लिए एंटाइटल्ड कौन होगा, यानी एंटाइटल्ड खुशी किसको मिलेगी? दो लोगों को मिलेगी खुशी, एक पेरेंट को मिलेगी और एक इसके नए ओनर्स को मिलेंगी खुशी। डन। अच्छा जी, जब पेरेंट डिविडेंड अनाउंस करेगा तो इसके लिए एंटाइटल्ड कौन होगा? ये आज पहली दफा मैं आपसे बात करने लगा हूं, सब्सिडरी नहीं होगी। देखो यार, पीटीसीएल ने यूफोन के शेयर खरीदे हुए हैं, पीटीसीएल ने यूफोन के शेयर खरीदे हुए हैं, बात गौर से सुननी है। पीटीसीएल ने यूफोन के शेयर खरीदे हुए हैं, जब पीटीसीएल ने यूफोन के शेयर खरीदे हुए हैं तो जब यूफोन ऐलान करेगी कि मैंने, यूफोन क्या कहेगी, मैंने डिविडेंड बांटना है, यूफोन क्या ऐलान करेगी, यूफोन ऐलान करेगी, यूफोन कहेगी मैंने डिविडेंड बांटना है, पीटीसीएल कहेगा मिसाल के तौर पर 70% मेरा, इमरान खान 30% तेरा। तो यूफोन अगर 100 रुपए डिविडेंड ऐलान करे तो यूफोन बांटने वाली साइड पे होगी। जैसे एक फकीर होता है और ये फकीर है और ये उनको देने वाला है, तो ये जो देने वाला होगा बंदा, जिसकी जेब में पैसे होंगे, ये 100 रुपया जेब से निकालेगा और जैसे ही जुमा पढ़ के आएगा तो बाहर लोग खड़े होंगे मांगने वाले, तो जैसे ही जुमा पढ़ के बाहर निकलेगा तो ये दोनों खड़े होंगे, हाँ भाई मुझे दो। तो ये क्या करेगा, सब्सिडरी जो है वो जेब से 100 रुपया निकालेगी, 70 पकड़ा देगी पीटीसीएल को और 30 पकड़ा देगी एनसीआई को। डन। ओ भाई उसको उठाओ यार, अच्छा आंखें बंद करके सोच रहे थे, सॉरी। लेकिन जब पेरेंट डिविडेंड अनाउंस करेगा तो मोहतरम कोई कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड नहीं है, कोई आपस के एडजस्टमेंट रिकॉर्ड नहीं है। क्यों? Who are the owners of parent? At least UFO is not owner of parent. अच्छा, अब आज आपको एक बात बता दूं, पेरेंट के ओनर्स कौन है, ये जरा बात समझिएगा। पेरेंट के ओनर्स को खुशी मिलेगी, ये कोई पी और एस की ट्रांजेक्शन नहीं है। और पेरेंट के ओनर्स हैं, 1970 में जब पीटीसीएल बनी थी ना, उस वक्त मेरे दादा ने मुझे बताया था, ये 1970 में जब पीटीसीएल बनी थी तो उस वक्त बाबा रशीद घर से थोड़े पैसे लाए थे, बाबा अकबर थोड़े घर से पैसे लाए थे, ये लोग घरों से पैसे लाए थे, ये पीटीसीएल के मालिक हैं, इनको खुशी होगी, इनको खुशी होगी। तो एक बात याद रखिएगा, जब भी पीटीसीएल ऐलान करेगी कि डिविडेंड मैंने बांटना है
तो सब्सिडरी को कोई हिलजुल नहीं होगी सब्सिडरी के अंदर कि सब्सिडरी हिलने लो, ओ पीटीसीएल ने डिविडेंड बांट दिया। अच्छा, क्या सब्सिडरी ने पेरेंट के शेयर खरीदे हुए? तो इसलिए हमने इसको कोई कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट नहीं होगी, आपस की नो कैंसलेशन, बोले बोले आपस की नो कैंसलेशन, आपस की कैलकुलेशन नो कैंसलेशन की जरूरत नहीं है। एक मिनट ले नोट कर लें, किताब पे नोट कर लें ऐसी चीजें, कहीं किताब में शुरू में भी सफे खाली, आखिर में भी सफे खाली, यहां चैप्टर के वो तो सऊदी किंग को दिए जाते हैं, वो तो सऊदी किंग, वो ही नहीं सिलेबस में नहीं है। आ जाए फर्स्ट रो में, आ जाए, तो ये बैग उठा के दो करते हैं। पहले ये नोट कर लेना, फिर मैं नीचे वाला हिस्सा ऊपर कर देता हूँ। पहले ये नोट कर लेना आराम से, जिसने एक दफा तस्वीर लेनी है वो एंड का वेट करे फिर। अच्छा माजरा थी, फोर्थ रो में और जगह बनानी पड़ेगी। इसमें आपस की नो कैंसिलेशन, अच्छा जी और इसमें आपको बताए क्वेश्चन 12 था ना, जिसमें 5 सिनेरियोज हमने पढ़े थे, क्वेश्चन 12 था उसमें हमने 5 सिनेरियोज पढ़े थे। डन, ओके। ये हो गया जी हमारा कॉन्सेप्ट नंबर 1। अब मैं पूरी तस्वीर लेने के लिए आपको ये अभी मौका दूंगा। ये हो गया हमारा डिविडेंड का कॉन्सेप्ट नंबर 1, ये पूरी तस्वीर लेनी है तो ओके। कॉन्सेप्ट नंबर 2, कोई भी एंटिटी, में भी पेरेंट में भी सब्सिडरी, कोई भी एंटिटी, पेपर में सवाल आ गया एंटिटी अनाउंस्ड इंटरिम डिविडेंड या फाइनल डिविडेंड। देखिएगा इधर, और आप लोगों ने खुद मुझे बताना है, ये 2015 है, 2015 के शुरू शुरू में 14 का फाइनल डिविडेंड अनाउंस होगा, और 2015 में सितंबर अक्टूबर में 15 का अपना इंटरिम डिविडेंड अनाउंस होगा। डन। अच्छा पेपर में सवाल आया कि एंटिटी अनाउंस्ड इंटरिम डिविडेंड, एंटिटी अनाउंस्ड फाइनल डिविडेंड, मे बी पेरेंट मे बी सब्सिडरी, आप क्या अज्यूम करेंगे कि इट इज पेड या इट इज अनपेड? क्या अज्यूम करेंगे, इट इज पेड और इट इज अनपेड? कोई क्लासिफिकेशन नहीं इसमें फाइनल और इंटरिम की, कोई क्लासिफिकेशन नहीं इसमें इंटरिम और फाइनल की। जो कंपनीज, आप इंटरिम दूर की बात, जो कंपनीज 28 दिसंबर को भी डिविडेंड अनाउंस करती है ना, तो 28 दिसंबर की सुबह दफ्तर के बाहर लाइनें लगी होती हैं। पाकिस्तानी आवाम है, नहीं छोड़ेगी, कहेगी चलो दो पैसे, अनाउंस कर दिया ना तुम लोगों ने। अभी कोई अनाउंसमेंट करके देखे, पंजाब यूनिवर्सिटी के बाहर अनाउंस करके देखें, आज भाई जो जो सीए का स्टूडेंट है उसे पंजाब यूनिवर्सिटी की डिग्रियां फ्री मिल रही हैं, आप 15 दिन बाद जाएंगे। तो मोहतरम जरा बात गौर से सुनिएगा, जब अनाउंस हो जाए ना कैश मिलने लगा तो फिर कम से कम, पता नहीं आप लोग तो बड़े तकवे वाले और मुत्तकी, मेरे जैसे लोग इंतजार नहीं करते कि भाई अनाउंसमेंट होगी तो भागो जल्दी जल्दी जाओ। और पूरी दुनिया में इसी तरह के लोग हैं, पूरी दुनिया में इसी तरह के लोग हैं, ये 100 लोगों को निकाल के बात कर रहा हूं, पता नहीं अजीब बातें आप लोग कर रहे हैं कि लोग पैसे नहीं लेने जाएंगे, लोग तो भागे भागे पैसे लेने जाएंगे। हाँ यार सवाल बता दे पैसे लेने नहीं, वो और बात है। तो आज एक बहुत बड़ी बात कर रहा हूं, कभी पेपर में सवाल आ जाए डिविडेंड अनाउंस हुआ है तो याद रखिएगा लोग छोड़ते नहीं है पैसा, वी विल अज्यूम, बल्कि हकीकत है यार, अज्यूम का लफ्ज़ लिखते भी मुझे शर्म सी आ रही है, साइड पे होकर शर्मा लेता हूं। वी विल अज्यूम इट इज, एक ने पे कर दिया और दूसरे को मिल गया, ये अज्यूम करेंगे, लिख लें ये कॉन्सेप्ट नंबर 2।
हाँ आजकल तो बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होने लग गया, तो साथ ही उनके अकाउंट में चला जाता है शेयर होल्डर्स के। ओके हाँ हाँ, चाहे फाइनल डिविडेंड है चाहे इंटरिम डिविडेंड, अगर पेपर में क्या लिखा हुआ है अनाउंस है तो। और पेड की एंट्री अकाउंटेंट भूलता नहीं, ये बात मुझे लिखवाने की जरूरत नहीं है शायद, पेड की एंट्री अकाउंटेंट भूलता नहीं। ओके ओ जा रहे जहाज गुजर सर के पास लैंड कर गया, माशाल्लाह भी माशाल्लाह, टाइम टाइम आ गए भाई आप। कॉन्सेप्ट नंबर थ्री डिविडेंड का, कॉन्सेप्ट नंबर थ्री बस जो इधर है वो मैंने बता दिया, हकीकत लॉजिक लॉजिक आपको अपील की है, आप छोड़ोगे पैसे फिर। अच्छा कॉन्सेप्ट नंबर थ्री डिविडेंड का, वर्किंग सिक्स में डिविडेंड सिर्फ, अब उर्दू अंग्रेजी इस तरह लिखी जा सकती है और कैसे लिखी जाती है, वर्किंग सिक्स में डिविडेंड सिर्फ उस वक्त डालेंगे जब अकाउंटेंट उसे रिकॉर्ड कर चुका हो। अगर अकाउंटेंट रिकॉर्ड कर चुके तो अकाउंटेंट ने एंट्रीज कर ली है ना, तो अकाउंटेंट ने एंट्रीज कर ली है तो हम अकाउंटेंट की फिगर्स पोस्ट करके ओपनिंग सही वाला बैलेंस निकाले ना। तो वर्किंग सिक्स में डिविडेंड, ये मैंने बात पहले लिखवा दी आपको, वर्किंग सिक्स में डिविडेंड सिर्फ उस वक्त डालेंगे जब अकाउंटेंट रिकॉर्ड कर चुके, रिकॉर्ड कर चुके का मतलब इसकी एंट्री अकाउंटेंट कर चुका है। वर्किंग सिक्स में डिविडेंड सिर्फ उस वक्त डालेंगे जिस वक्त अकाउंटेंट रिकॉर्ड कर चुका है क्या डिविडेंड। कल वाले सवाल में अकाउंटेंट ने रिकॉर्ड नहीं किया हुआ था डिविडेंड, इसलिए आप लोगों ने होमवर्क में वर्किंग सिक्स में नहीं डाला था। कल वाले सवाल में अकाउंटेंट ने डिविडेंड रिकॉर्ड नहीं किया हुआ था, इसलिए आपने सवाल में वर्किंग सिक्स में नहीं डाला था। इन कॉन्सेप्ट्स का कोई लिंक आपस में डेवलप नहीं करना कि वन में ये सीखे तो टू में क्या है तो थ्री में क्या है, ये तीनों अलग अलग बातें हैं, इंशाल्लाह हम सवालों के ऊपर अप्लाई किया करेंगे। और ज्यादा लॉजिक्स ना पूछा करें, जिस तरह चीजें चला रहे हैं उस तरह चलने दिया करें, वरना बात भी फैल जाती है। अभी वॉल्यूम टू सिर्फ इस वजह से रुका हुआ है कि आईकैप ने किताब के अंदर एक चीज़ पी एंड एल में डाल दी है एक स्टैंडर्ड के अंदर, तो इधर भी कुछ टीचर्स का, कराची के भी कुछ टीचर्स का आया था, और एक बाहर की बुक है उसमें भी OCI में है, लेकिन फिर आईकैप ने बताया कि फलां किताब है कैपलान और ICAW की उसमें पी एंड एल में है, अब कोई कह रहा है OCI में, तो सिर्फ इस वजह से भी वो किताब वॉल्यूम टू रुका हुआ है। तो इसलिए इख्तलाफ आते हैं, तो कोई चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें अगर बात को फैलाएंगे तो इख्तलाफ बढ़ेंगे और कोई बात नहीं होगी। तो जिस तरह बस चीज़ें लिखवाई जा रही हैं उस तरह पेपर में अप्लाई करना सीखें, बजाय कि आप इनकी ज़्यादा डिटेल में जाएं। ओके अच्छा यार, अगर ये तीन कॉन्सेप्ट्स आपके जहन में आ गए हैं तो मुझे पहली लाइन पढ़ के आप बताएं। पॉइंट फाइव, असल में ना वर्किंग सिक्स के लिए आपको डिविडेंड की इन्फॉर्मेशन पहले पढ़नी पड़ेगी, वरना वर्किंग सिक्स ना बनाइएगा। वर्किंग सिक्स के लिए आपने डिविडेंड की इन्फॉर्मेशन अदर इन्फॉर्मेशन में जाके पढ़नी है, फिर वर्किंग सिक्स आपने पूरी किया करनी है। एस अनाउंस द फाइनल डिविडेंड ऑफ रुपीज 3, शेयर कितने रुपए का है 10 रुपए के, शेयर कितने रुपए का है 10 रुपए का, तो 30% डिविडेंड। अच्छा जी, एस अनाउंसड 30% डिविडेंड इन सितंबर 15, हमारा ईयर इनके 30/16 सितंबर 15 में, इसने साल खत्म होने से तकरीबन 9 महीने पहले। और चाचा इधर देख, मेरे भाई इधर देखें, ना उधर देखना, ऐसा अच्छा नहीं लगता, नहीं 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 पहले नोट नहीं, पहले इधर, पर मास्क उतारे से लगता है नाराज हो गया चेहरा, खुश हो गया अब तो, पहले पहले मास्क पहन लो, उससे मना नहीं कर रहा मैं, लेकिन मुस्कुराहट नहीं नजर आ रही थी। अच्छा तो बताएं जी, कॉन्सेप्ट नंबर टू की रोशनी में बताएं कि सवाल ने सिर्फ लिखा है एस ने डिविडेंड अनाउंस कर दिया है, कॉन्सेप्ट नंबर टू हम क्या अज्यूम करें। ओए भाई 8-9 महीने शेयर होल्डर नहीं छोड़ेंगे, शेयर होल्डर तो पैसे लेने भागे भागे आए होंगे, तो क्या मैं कह सकता हूं इन द लाइट ऑफ कॉन्सेप्ट नंबर टू इट इज पेड, डिक्लेयर का मतलब पेड, लोग छोड़ते नहीं है पैसा। अच्छा अगर ये पे हो गया तो इसका कंक्लूजन क्या है, पेड अकाउंटेंट कभी भूल सकते हैं, एंड रिकॉर्डेड बाय अकाउंटेंट। अच्छा चलें जी, अब मेरा पहला सवाल आपसे, किसने डिविडेंड बांटा, एस ने डिविडेंड बांटा, कॉन्सेप्ट वन अभी अप्लाई नहीं करना, मैं करवाऊंगा, जब मैं कोई कॉन्सेप्ट वन की बात करूं मुझे याद कराइएगा, कॉन्सेप्ट वन अभी छोड़ दें। दूसरा कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट नंबर टू, डिविडेंड डिक्लेयर हुआ है, मुझे समझ नहीं आ रही पे हुआ है या नहीं हुआ, तो लोग पैसा नहीं छोड़ते तो डिविडेंड क्या हो गया है, फिर पे भी हो गया है। अगला सवाल मेरा आपसे, बेसिक इंट्रो में बता दिया जाता है पेड की एंट्री अकाउंटेंट भूलता नहीं है, तो अकाउंटेंट इसकी एंट्री नहीं भूला। कॉन्सेप्ट थ्री, वर्किंग सिक्स में मैंने कहा डिविडेंड तब लेके जाया करना है जब अकाउंटेंट ने रिकॉर्ड, क्योंकि वर्किंग सिक्स का मकसद है रिवर्स वर्किंग करके सही वाली चीजें निकालना जो अकाउंटेंट वाली चीजें हैं, रिवर्स वर्किंग से अकाउंटेंट वाली चीजें निकालना, अकाउंटेंट वाली चीजें निकालने के लिए अकाउंटेंट ने जो चीजें शो की हैं उनको शो करना पड़ेगा ना,
तो आप बता दें वर्किंग सिक्स के अंदर इसको शो करूं या नहीं, ये जरा कॉन्सेप्ट थ्री बता दें। अगर रिकॉर्डेड बाय अकाउंटेंट है तो इसका क्या मतलब है, शो इन वर्किंग सिक्स। अगर रिकॉर्डेड बाय अकाउंटेंट है तो इसका मतलब क्या है, प्लीज लिख लें, शो इन वर्किंग सिक्स। चलिए जी, बातों को सादा रखें। सवाल ने नहीं बताया डिविडेंड पे किया या नहीं पे किया, हमेशा क्या अज्यूम क्या करेंगे, पे हो गया है। दूसरा सवाल मेरा, वर्किंग सिक्स में कब रिकॉर्ड करना है, जब रिकॉर्ड हो जाए, तो पे हुई चीज अकाउंटेंट भूलता नहीं है, इसलिए वर्किंग सिक्स में रिकॉर्ड करें। शेयर कैपिटल पकड़ें, शेयर कैपिटल पकड़ें 500, तो 500 का कितने परसेंट डिविडेंड अनाउंस हुआ है, क्या अकाउंटेंट इस अर्निंग तक पहुंचते पहुंचते डिविडेंड रिकॉर्ड कर चुका है। तो अगर मैं ओपनिंग रिटर्न नहीं निकालना चाहता हूं तो अकाउंटेंट वाली फिगर्स मुझे यहां डालनी पड़ेंगी। निकलवाएं जी डिविडेंड, 500 शेयर कैपिटल है इनटू, और यार अभी टेंशन ना लें, इसमें इमरान खान ना उसका कितना है, अभी तो मैं मिसिंग फिगर सवाल की निकाल रहा हूं, अभी तो ये मैं आप समझ लें सब्सिडियरी की स्टेटमेंट और चेंज इन इक्विटी टाइप की चीज बना रहा हूं। जी बोले 150। अब मुझे बैलेंसिंग फिगर्स बता दें, क्योंकि आपने बताना नहीं था रेड मार्कर, मुझे याद आया। बोले 400, इधर 400 है, इसकी सबर 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 सबर, इसकी पेरेंट की मैं बात करता हूँ, पेरेंट की मैं बात करता हूँ, ओके। पेरेंट के डिविडेंड के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन सवाल में दी हुई नहीं, दी हुई नहीं, दी हुई तो रिलैक्स करें, फिर पेरेंट की टेंशन छोड़ें। तो डन जी, पेरेंट के बारे में कोई इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है डिविडेंड। बैलेंसिंग बोला 390। अब ये सारा इंफॉर्मेशन क्यों निकाली है, कहां यूज की है, शायद वर्किंग वन में एक इशू आए, वो जब खुलेगी वर्किंग वन तो आपको आइडिया होगा, फिर शायद ये वर्किंग हमें हेल्प आउट कर जाए, बजाहिर अभी इस वर्किंग की कोई फिगर यूज करने की जरूरत नहीं है। और अब आप मुझे ये ना बताइएगा ये फिगर जानी है वर्किंग थ्री के अंदर, ये जानी है वर्किंग टू के अंदर, ये फिगर जानी है वर्किंग फाइव के अंदर, क्योंकि वो ऑलरेडी आज पी एंड एल और बैलेंस शीट के सवाल में अवेलेबल है। डन, ओके। अच्छा, आज के बाद हम जब भी डिविडेंड शुरू किया करेंगे ना, कॉन्सेप्ट वन अभी मैंने अप्लाई नहीं करवाया, कॉन्सेप्ट वन आसान सा है, वो पांच सिनेरियोज़ हैं असल में यार, कॉन्सेप्ट वन तो पांच सिनेरियोज़ हैं। जब भी आज के बाद डिविडेंड की एडजस्टमेंट आया करेगी ना, कॉन्सेप्ट टू और थ्री जरा पहले आपने जहन में रखा करना है, ठीक है। चलें जी, अब मुझे अगली बात बता दें मोहतरम, पॉइंट टू, ये एक एडजस्टमेंट है जिसमें हमें सब्सिडरी के एसेट्स को रिवैल्यू भी किया जा रहा है एक्विजिशन डेट पे, और सब्सिडरी के एसेट्स को जो है इंपेयरमेंट लॉस से भी गुजारा जा रहा है। तो ऐसी सूरत के अंदर मैं आपको एक सजेशन देने लगा हूं कि आपने क्या करना है। पॉइंट टू थोड़ा नए तरीके से आज गिवन है, इसलिए इसमें आपने क्या करना है उसके ऊपर थोड़ी डिस्कशन कर लेते हैं। अच्छा जी, आपने पहले रिवैल्यू करना है और सेकंड स्टेप के तौर पे आपने इंपेयरमेंट टेस्ट करना है। ये हमारे स्टेप्स होंगे। पहले सवाल का डेटा पढ़ लेते हैं। ऑन एक्यू, किसने किसको खरीदा, पेरेंट ने सब्सिडरी को, ऑन एक्विजिशन डेट किस दिन मोहतरम, 1 अगस्त 15 को। कैरिंग वैल्यू ऑफ एस नेट एसेट्स वर इक्वल टू द फेयर वैल्यू एक्सेप्ट अ बिल्डिंग हुज फेयर वैल्यू एंड वैल्यू इन यूज वर 100 and 140 एज अगेंस्ट कैरिंग वैल्यू ऑफ 120। अगला आपने नहीं पढ़ना, अगली चीज आपने नहीं पढ़ना। बता दें जी, जो फिगर्स पहले गिवन होती थी क्या गिवन होती थी, फेयर वैल्यू, कैरिंग वैल्यू, और कौन सी बीच में बिला फोल्डिंग सीट पे आके फिट हो गई है, टिकट के पैसे तो दिए नहीं, बीच में आके हमारी बैठ गई बिला, वैल्यू इन यूज। तो आज से पहले क्या दी होती थी, फेयर वैल्यू और बुक वैल्यू, और आज क्या दी हुई है साथ, वैल्यू इन यूज। तो ये इस बात की इंडिकेशन होगी कि हमने दो स्टेप्स परफॉर्म करने हैं, सबसे पहले हमने बुक वैल्यू और फेयर वैल्यू को कंपेयर करना है, और उसके बाद हमने इंपेयरमेंट टेस्ट से गुजारना है। रिकवरेबल अमाउंट क्या होती है, चीजों को मिक्सअप ना करना, अभी मैं बताता हूं सब कुछ, ओके। अच्छा, ये वर्किंग कौन सी बनेगी, 7 कर लेते हैं, वर्किंग 7। जी हजरात बताएं, सबसे पहले बीवी कितनी, पहले मैं क्या करूं, रिवैल्यू, बीवी कितनी है, 120, फेयर वैल्यू 100। जी हजरात बता दें, 120 वाली चीज को किस पे लेके जाना है, 100 पे लेके जाना है, जब 120 वाली चीज को 100 पे लेके जाना है तो फिर ऐसी सूरत में फेयर वैल्यू गेन आ रहा है या लॉस आ रहा है,
लॉस आ रहा है, रिवेल्यूशन लॉस आ रहा है, तो रिवेल्यूशन लॉस बोले तो कितना आ गया, 20। डन, ये 20 का लॉस आ गया। अब अगला काम क्या, इसको मैं ग्रीन सिग्नल दे देता हूं, मैंने रिवेल्यू कर लिया, अगला काम क्या करना है, इंपेयरमेंट टेस्ट परफॉर्म करना है। इंपेयरमेंट टेस्ट परफॉर्म करने के लिए मैं करने लगा हूं वर्किंग 7.1। किसी को याद हो इंपेयरमेंट टेस्ट कैसे परफॉर्म करते हैं, यहां लिखते हैं बुक वैल्यू और यहां लिखते हैं रिकवरेबल अमाउंट। अगर किसी को याद हो तो रिकवरेबल अमाउंट हायर होती है, हायर ऑफ व्हाट एंड व्हाट, वैल्यू इन यूज और फेयर वैल्यू माइनस कॉस्ट टू सेल। मेरी पहली सजेशन आपने मुझे देनी है, मैं इंपेयरमेंट टेस्ट सेकंड नंबर पे परफॉर्म करने लगा हूं या फर्स्ट नंबर पे? तो क्या मैं रीवैल्यूड एसेट को इंपेयरमेंट टेस्ट से गुजारूं या बुक वैल्यू यही वाले लिख लूं? तो मोहतरम आपने स्टेप परफॉर्म कर दिया है जिसके रिजल्ट आ चुके हैं, ये रिवाइज्ड बुक वैल्यू अगर मैं लिखूं तो बात शायद गलत ना हो, ये मैं रिवाइज कर चुका हूं ना बुक वैल्यू को। और अगर स्टेप टू में भी आपने इसी फिगर से चलना था तो फिर टेस्ट परफॉर्म करने का पहले फायदा क्या था? तो इसलिए मोहतरम पहले मैंने कौन सा टेस्ट परफॉर्म किया, रिवैल्यूएशन वाला जो आज तक करते रहे हैं, बीवी और फेयर वैल्यू का डिफरेंस ज्यादा था वर्किंग वन के अंदर, तो पहले मैंने ये वाला टेस्ट परफॉर्म किया, इसके बाद अब मैं इंपेयरमेंट टेस्ट परफॉर्म करूं। तो जो ये गलती हो सकती है बच्चों से वो ये कि यहां दोबारा 120 उठा लें, यहां 120 नहीं उठाना, यहां आपने रिवाइज वाली बुक वैल्यू उठानी है, वो बता दीजिए कितनी है, 100 लिखवाएं जी, बुक वैल्यू रिवाइज वाली 100। अच्छा बोलें जी वैल्यू इन यूज कितनी है, इसको इनर कॉलम में लिखना पड़ेगा, तू थोड़ा बाहर हो, मैंने नहीं जाना, जा वैल्यू इन यूज 140, इसको मैं रेड मार्कर ब्लू मार्कर से लिख देता हूं 140 पर्पल से। फेयर वैल्यू कितनी, कॉस्ट टू सेल जीरो है, नहीं दी हुई, क्या करूं मैं, कॉस्ट टू सेल दी होती तो माइनस करता, रीवैल्यू करते हुए फेयर वैल्यू देखनी होती है और इंपेयरमेंट करते हुए फेयर वैल्यू माइनस कॉस्ट टू सेल, क्या आया 100 हायर। क्या कोई बच्चा क्लास का ये बता सकता है कि ये एसेट जो है वो इंपेयर हो गया है, या लिख दूं नो इंपेयरमेंट लॉस, नो इंपेयरमेंट लॉस, नो इंपेयरमेंट लॉस। अब इंपेयरमेंट लॉस तो आपका आया नहीं, इंपेयरमेंट लॉस तो आपका, अब जरा बता दें ये जो मैं वर्किंग 7 कर रहा हूं, एक मिनट, वर्किंग 7 जो मैंने खोली भी है, तो मुझे बता दें वर्किंग में मेरा इंपेयरमेंट लॉस 7.1 में कितना आया, जीरो। जब इंपेयरमेंट लॉस जीरो आया तो मेरा एसेट कितने पे पड़ा रहा, 100 पे, मेरा एसेट 100 पे ही पड़ा रहा। डन, चलें पहले ऐसा करें ना, वर्किंग 7 दोनों इकट्ठी चले जाएं, यहां तक आपने पहले किया करनी है वर्किंग, फिर इस 100 को किस टेस्ट से गुजारने, इंपेयरमेंट टेस्ट से गुजारने के लिए पूरी लेबोरेटरीज बनी हुई है, ये फिर आपको रिपोर्ट जो है गुजरांवाला भेजनी, कराची भेजनी पड़ेगी, ये रिपोर्ट आपको कराची भेजनी पड़ेगी, कराची से रिपोर्ट क्या आई, कोई गिल्टी नहीं है, कोई कैंसर नहीं है, बस ये एक बीमारी थी, दूसरी बीमारी नहीं निकली। चलें जी रिवाइज करवाएं चीजें, मुझे बताएं सवाल में, रिवाइज करवाता हूं, मुझे बताएं सवाल में बीवी गिवन है, एफ गिवन है या तीसरी बला भी गिवन है, जैसी वैल्यू इन यूज आएगी आपने वैल्यू इन यूज पे उंगली रख के कहना है बला आ गई। आप जब बला आ गई तो आप क्या करें जी, पहले क्या कर लें, रीवैल्यू में किसको किससे कंपेयर करें, बीवी कितनी है 120, फेयर वैल्यू 100, इसका नाम ना 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 इंपेयरमेंट लॉस इसका नाम लिखना, इसका नाम रीवैल्यूएशन लॉस, इसकी एंट्री रीवैल्यूएशन, पुरानी मशहूर जमाना रीवैल्यूएशन लॉस इन वर्किंग वन डेबिट और बिल्डिंग क्रेडिट कितने से 20 से, ये पहली एंट्री होगी। दूसरी एंट्री आपने क्या कैलकुलेट करना है, इंपेयरमेंट लॉस इतनी इजीली नहीं निकलेगा, इसके लिए वर्किंग 7.1 खोलनी पड़ेगी, वर्किंग 7.1 मैंने खोली, वर्किंग 7.1 इसके अंदर क्या यूज कर लूँ, रिवाइज बीवी, लेकिन इस वर्किंग का मकसद क्या है, इंपेयरमेंट लॉस निकालना नहीं, इंपेयरमेंट टेस्ट से गुजारना, हो सकता है इन द एंड हम इस नतीजे पे पहुंचे कि ये इंपेयर बीवी बोलें रिवाइज वाली 100, इसको किससे कंपेयर करने, रिकवरेबल अमाउंट से, रिकवरेबल अमाउंट क्या होती है, हायर ऑफ वैल्यू इन यूज फेयर वैल्यू लेस, वैल्यू इन यूज बोले तो फेयर वैल्यू माइनस कॉस्ट टू सेल बोले तो 100 माइनस डेट कम्स टू 100, व्हाट इज हायर,
100 वाली चीज को 140 पे लेके जाने, फोर्सिंग गेन्स वगैरह रिकॉर्ड नहीं करने, कुछ नहीं करना, तो इंपेयरमेंट लॉस नहीं आया, नो इंपॉर्टेंट लॉस, सॉरी नो इंपेयरमेंट लॉस। अब इंपेयरमेंट लॉस अगर नहीं आया तो प्लीज मेरा साथ देने, एंड तक साथ देने। इंपेयरमेंट लॉस 0, दोबारा ये क्या आ गई 100। इस 0 में अगर इंपेयरमेंट लॉस आ जाता तो इसकी एंट्री होनी थी इंपेयरमेंट लॉस इन वर्किंग वन डेबिट, क्योंकि ये एक्विजिशन डेट का है और बिल्डिंग। तो मोहतरम ये दो एंट्रीज अब आपने किया करनी है, लेकिन दूसरी एंट्री आज मैं इसलिए नहीं करूंगा बिकॉज सवाल में, और खास तौर पे याद रखिएगा ये इंपेयरमेंट लॉसेज आपने पी एंड एल में कहीं नहीं लेके जाने, क्योंकि जो वर्किंग वन की चीजें हैं वो वर्किंग वन में जाती हैं, इनका पी एंड एल से कोई ताल्लुक नहीं है। तो पहले ऐसा करें ना, वर्किंग 7 लिख लें आप, फिर वर्किंग 7.1 में खोल के देता हूं आपको। वर्किंग 7 में ये दो एंट्रीज लिखें। इस टॉपिक में हम किसे खेलते हैं, बुक वैल्यू से, फेयर वैल्यू से, रिकवरेबल अमाउंट से, या डिफरेंसेस से? डिफरेंसेस से खेलते हैं। तो रिवेल्यूशन लॉस है डिफरेंस और इंपेयरमेंट लॉस डिफरेंस है। चलें जी, वर्किंग 7.1 अब नोट कर लें। अच्छा जी, एक एंट्री अब आप मुझे और करवाएंगे, उसके बाद मैं इन सारे फिगर्स को पोस्ट करूंगा। एक एंट्री अब आप मुझे और करवाएंगे, वो डेप्रिसिएशन की है मशहूर जमाना, वो एंट्री अब आप मुझे करवा दें। वो एंट्री मैं इधर लिख देता हूँ, एसेट कम हो रहा है कितने से, 20 जमा 0 20 20, हो सकता है इधर भी 2 रुपये आ जाता ना यार, तो फिर एंट्री 22 से करनी पड़ती। अभी एसेट कितने से कम हो रहा है, 20 जमा 0 से, कितने से, 22 से, अगर 2 होता इधर, अगर 2 होता है, लेकिन फिलहाल क्या है, सिफर। तो एसेट बोले कितने से कम हो रहा है, 20 से, तो डेप्रिसिएशन भी कम करेंगे। डेप्रिसिएशन कम करने की एंट्री बिल्डिंग डेबिट। तो मोहतरम 3 एंट्रीज बन गई आज, इंपेयरमेंट लॉस की एक्स्ट्रा एंट्री आ गई। डेप्रिशिएट किसको करने, 20 जमा 0, 20 जमा 0, व्हाट इज 20 लॉस, व्हाट इज 0 लॉस, लॉस जमा लॉस, टोटल लॉस 20। और यहां से देख लेना यार, बिल्डिंग कितने से कम हो रही है, 20 से। ऐसा भी हो सकता है बिल्डिंग इधर 20 से बढ़ रही होती और इधर 2 से कम हो रही होती, तो फिर 18 से एंट्री कर लेते हैं, वो तो इतनी तो आपको पता है। अच्छा अब आप बता दें रिमेनिंग लाइफ कितनी है, 10 ईयर्स गिवन है कहीं। यार इसमें ना एक लाइन है जो मैंने आपको ना आज करवानी नहीं है, ये इंशाल्लाह मैं आपको कल करवाऊंगा, इसका सवाल पे इंपैक्ट नहीं है, क्योंकि ये एक अलग डिस्कशन है। इस पे जो है ना पढ़ के आप कंफ्यूज हो जाएंगे, ये लाइन आपने नहीं पढ़नी, ये लाइन भी आपने नहीं पढ़नी, बेशक हाईलाइटर से हाईलाइट करनी है कर लें, या अगर हाईलाइटर नहीं है तो इसको ना ब्रैकेट में ले लें, तो इसको इंशाल्लाह कल डिस्कस करेंगे। फिलहाल इस लाइन के अलावा छोड़ के बता दें क्या बचा, द रिमेनिंग लाइफ इज, खुदा के लिए ये ब्रैकेट वाली लाइन पढ़ेंगे को उल्टा मतलब ले लेंगे और गड़बड़ करके आ जाएंगे, अभी ब्रैकेट वाली लाइन नहीं पढ़नी। हाँ जी बोलें जी, ईयर एंड मेरा क्या है, 30/16, और मैंने किसने खरीदा, तो ये जो डेप्रिसिएशन है कब से कब तक की निकलती है, एक्विजिशन डेट से डेट ऑफ कंसोलिडेशन तक, तो कितने महीने की डेप्रिसिएशन, 11 महीने, 20 लाइफ 10 साल है इंटू 11/12 पॉइंट्स में गया हुआ, कुछ सवाल में नहीं गया हुआ, बस चलो ठीक है 1.8 कर दें, 1.8 डेप्रिसिएशन को काट के ऐसा ही कर देना। चलिए जी, एंट्री नंबर 1, एंट्री नंबर 2, एंट्री नंबर 3 पोस्ट करवा दें। पहले 2 एंट्रीज होती थी, आज एक नई एंट्री आ गई, कौन सी, इंपेयरमेंट लॉस, रिवेल्यूशन लॉस इन वर्किंग वन डेबिट्स और बिल्डिंग क्रेडिट। इधर आर की जगह छोड़ देते हैं, आज हमें याद है रिवेल्यूशन लॉस कितना जी, पहली एंट्री हो गई, दूसरी एंट्री इंपेयरमेंट लॉस इन वर्किंग वन डेबिट और बिल्डिंग क्रेडिट, आपके समझने के लिए शो कर देता हूं, क्योंकि कल कलाम को हो सकता है इंपेयरमेंट लॉस आ जाए। इंपेयरमेंट लॉस इन वर्किंग वन डेबिट और बिल्डिंग क्रेडिट, लॉस को नेगेटिव साइन के साथ, और बिल्डिंग डेबिट और एसआरई क्रेडिट कितने सही, बिल्डिंग डेबिट और एसआरई, डिविजन रिवर्स हो रही है ना, डिविजन उलटने से अर्निंग बढ़ जाती है। अगर पेपर में आपको ऐसा महसूस हो कि मैंने वर्किंग्स कर ली हैं और एक दो वर्किंग्स मेरी रह गई हैं,
तो जितनी फिगर जो है वो आपने निकालनी है उनको फिर 5 मिनट आखिर दे के बैलेंस शीट के फेस पे पोस्ट कर दें ताकि वो वाले इजी मार्क्स आप गेन कर लें। ओके, पॉइंट नंबर 3, ऑन 1 अक्टूबर 2015। जरा ट्राई करें इस एडजस्टमेंट को, इसमें भी ये लाइन ना पढ़िएगा, ये मैं खुद कराता हूँ। ये देखें, देखें ये, ओए पापा भाई देख, ये लाइन अभी ना पढ़िएगा, बाकी पढ़ लें। भाई कैमरा उधर कर दो, पहले किसी ने पिछली चीज पोस्ट करनी हो तो। जी बोले, लिखें बुक वैल्यू मिसिंग है, बुक वैल्यू मिसिंग है, ये मसला है आज। आपको आदत पड़ी हुई है जब भी कभी पेरेंट्स सब्सिडरी को कोई एसेट बेचता है ना तो आप लोग बुक वैल्यू गिवन होती है, बीवी ऑलरेडी गिवन होती है तो खाना भी तैयार, बीवी ऑलरेडी गिवन होती है तो फिर जो है वो फेयर वैल्यू आप सेल प्राइस ढूंढते हैं और डिफरेंस निकाल के आराम से गेन लॉस निकाल के सो जाते हैं। लेकिन आज बीवी नहीं है, खाना खुद बनाना पड़ेगा, बीवी कैलकुलेट करनी पड़ेगी, बीवी कैलकुलेट करनी पड़ेगी। ओके, ऑन 1 अक्टूबर 2015 पेरेंट सोल्ड अ मशीन टू सब्सिडरी फॉर 24। शुक्र है जो डिस्पोजल अकाउंट बनता है उसकी फिगर अवेलेबल है, डिस्पोजल अकाउंट जो बनता है उसकी फिगर अवेलेबल है। अगले सवाल कह रहे हैं भाईजान आप हमारी जुरिस्डिक्शन में आ रहे हैं, बहुत ज्यादा आप जगह यूज कर रहे हैं आज। डिस्पोजल अकाउंट बोले तो कैश 24, शुक्र है ये तो गिवन है, शुक्र है कच्ची सब्जी तो घर में छोड़ गई है बीवी। ऑन 1 अक्टूबर 2015 पेरेंट सोल्ड अ मशीन टू सब्सिडरी फॉर रुपीज 24। द मशीन हैड बीन परचेज्ड ऑन 2 साल बैक फॉर 26 बाय पेरेंट, बल्कि इधर लिख लें परचेज्ड बाय पेरेंट। 2 साल पहले किसने खरीदी होगी, पेरेंट तो आज बेच रहे ना यार, वो तो बेच रहे हैं आज। एक बात बताइए, जो फिक्स्ड एसेट होता है एक बंदा कुछ अर्सा यूज करता है फिर ही सब्सिडरी को बेचता है ना, इसलिए तो WDB गिवन होती थी। आज तक किसी सवाल में डेट ऑफ परचेज जो बंदा दे रहे हमें एसेट उसकी बुक्स में नहीं गिवन होती थी, आज तो सवाल में एक और चीज गिवन है, क्या गिवन है, डेट ऑफ किसने परचेज किया था। एक लास्ट बोलने लगा बड़े को मजा आएगा आपको, किसने परचेज किया था अपने लिए, पेरेंट ने, और 2 साल इस्तेमाल करके किसको बेच दिया, सब्सिडरी को। तो इस एंगल से आप जरा पढ़ें, द मशीन हैड बीन परचेज बाय पेरेंट ऑन 1 अक्टूबर 2013 ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन। ओहो, इस एक्विजिशन से बच्चे ना वो 1 अगस्त पे चले जाते हैं, ओ नहीं यार कॉन्टेक्स्ट भी समझे, इस एक्विजिशन से बच्चे 1 अगस्त पे पहुंच जाते हैं, ना 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 ना, ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन ऑफ मशीन, ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन ऑफ मशीन, प्लीज ऑन द डेट ऑफ परचेज ऑफ मशीन समझ लें, ऑन द डेट ऑफ परचेज ऑफ मशीन। ये कंफ्यूज करता है कुछ बच्चों को, लस कंफ्यूज करता है, व्हाट्सएप ग्रुप में अक्सर पूछते हैं बच्चे ये 1 अगस्त की बात करें, नहीं 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 यार ये परचेज की बात करें। ऑन द डेट ऑफ परचेज द मशीन वाज असेस्ड एज हैविंग अ यूजफुल लाइफ ऑफ, किसने सोचा था 10 साल मैं खुद इस्तेमाल करूंगी, पेरेंट ने सोचा था मैं 10 साल खुद इस्तेमाल करूंगा, और अभी भी यही अंदाज है कि इसकी लाइफ 10 है लेकिन रिमेनिंग 10 नहीं होगी, टोटल 10 ही है, अभी तक पेरेंट का यही अंदाजा है कि ये 10 साल है। अच्छा 2 साल तो उसने खुद इस्तेमाल कर लिया, और आपको याद है रिमेनिंग लाइफ गिवन होती थी, आज रिमेनिंग लाइफ बता दें जिसने बाय अभी अभी किया उसके लिए, पहले तो पेरेंट ने बाय किया हुआ था उसके लिए रिमेनिंग लाइफ कितनी, 8 साल। गेन ऑन डिस्पोजल वॉस गलती से क्रेडिट टू सेल अकाउंट, इसकी आप टेंशन ना लें, इसको ना P&L के सवाल में मैं आपको बता दूंगा क्या करना है, जब P&L शुरू कराऊंगा ना फिर बता दूंगा, इसकी टेंशन इसलिए ना लें कि चाहे सेल में गेन गया हो चाहे अदर इनकम में गेन गया हो, हुआ तो ऐड ही है ना, इसलिए बैलेंस शीट के एंगल से कोई एरर नहीं है, P&L के एतबार से एरर है, फिर मैं उसको बाद में टेकअप करूंगा, और अगली बात भी आपने काट देनी है। आप बोलें जी किसने बेचा, पेरेंट ने, पहले से कौन इस्तेमाल कर रहा होगा, पेरेंट, पहले से पेरेंट कितने अरसे से इस्तेमाल कर रहा है, 2 साल उसने खुद इस्तेमाल किया, उसने अपने लिए कितने का खरीदा था, उसने क्या सोचा था कि ऑन द डेट ऑफ परचेज ऑफ मशीन मेरे साथ कितना अरसा चलेगा, 10 साल, लेकिन 2 साल इस्तेमाल करके किसको दे दिया, सब्सिडरी को दे दिया। अब आप मुझे बताएं, पहले ना पेरेंट की सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट जहन में लाएं, पेरेंट अपनी सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इस एसेट को किस पे रखा बैठा होगा, 26 पे, और आज ये अकुमुलेटेड डेप्रिसिएशन मुझे निकालनी पड़ेगी। पेरेंट ने कितने का खरीदा था अपने लिए, क्या सोचा था कितने साल साथ रहेगा,
10 साल, लेकिन सिर्फ कितने साल साथ दिया, 2 साल, तो पेरेंट खुद कितना डेप्रिशिएट कर चुका है, 5.2। तो इसका मतलब है इस एसेट की बुक वैल्यू निकल सकती है कॉस्ट माइनस अकुमुलेटेड डेप्रिसिएशन। तो बस जो मेन बात आपने लिखनी थी वो ये लिखनी थी कि बुक वैल्यू मिसिंग है, वो बुक वैल्यू हमें निकालनी पड़ी है। अगली बात ये है कि रिमेनिंग लाइफ भी तो मिसिंग है, रिमेनिंग लाइफ भी तो मिसिंग है। अच्छा एक साहब कह रहे हैं, जरा दोबारा समझा दें भाई, असल में कोई भी एसेट हो ना, मिसाल के तौर पर मैं एक बात करूँ, पेरेंट ने खरीदा कोई मशीन, वो पेरेंट ने खरीदी मशीन और पेरेंट ने 100 रुपये की खरीदी और इसको 20-20 रुपए डेप्रिशिएट कर रहा था, तो पेरेंट ने सोचा था 5 साल में चलाऊंगा तो 20-20 रुपए सारा डेप्रिशिएट कर दूंगा। एकदम सब्सिडरी ने इस दिन आके रिक्वेस्ट की, पेरेंट मशीन मुझे बड़ी पसंद आई है मुझे बेच दो। तो अब पेरेंट दो बातें बताएगा, पेरेंट कहेगा अच्छा मैंने खरीदा था 100 रुपए का, मैं इसको 2 साल से डेप्रिशिएट कर रहा हूं, इसकी बुक वैल्यू रहेगी 60, चल मैं तुझे बेचता हूं। लेकिन अब सवाल ना, ये दे देता था, ये दे देता था, द बुक वैल्यू ऑफ एसेट एट द टाइम ऑफ डिस्पोजल वॉज इतने। आज सवाल ने ये फिगर नहीं दी तो सवाल वाले को मजबूरन दो चीजें देनी पड़ी, डेट ऑफ परचेज, कॉस्ट ऑफ परचेज भी देनी पड़ी, डेट ऑफ परचेज भी देनी पड़ी और लाइफ भी देनी पड़ी, ताकि पता चले पेरेंट अपनी बुक में कितना डिप्रिशिएट ऑलरेडी। अब जरा इस एंगल से पढ़ो जिस तरह मैंने बताया, अगर आपको समझ नहीं आया आप पढ़ने बड़ा कंफर्टेबल फील करेंगे आप। 11 अक्टूबर 2015 को पेरेंट ने बेचा एक मशीन सब्सिडरी को, यहां तक तो बात बड़ी आसान है, मशीन खरीदी थी, अभी तो सब्सिडरी खरीद रहे हैं ना, अभी तो सब्सिडरी खरीद रहे हैं, लेकिन ये बड़ी पुरानी डेट डाली है, सोचो फिर किसने खरीदी होगी, जो बहुत पुरानी डेट डाली है, द मशीन हैड बीन हैड भी लिख दिया ना, द मशीन हैड बीन परचेज, किसने खरीदी होगी फिर, पेरेंट ने, किसके लिए, अपने लिए, अपने लिए, उसको क्या पता था सब्सिडरी को मैंने बेचनी है, उसने अपने लिए खरीदी होगी कितने रुपए की, और जिस दिन उसने खरीदी थी उस दिन उसकी मशीन की लाइफ कितनी थी, और ये एस्टीमेट अभी तक चेंज, उसका स्टिल ख्याल है कि इसकी लाइफ कितनी है, लेकिन खुद कितने साल इसने इसको हैंड लिया, इस्तेमाल कर लिया, जब खुद इसने अपने लिए 2 साल इस्तेमाल कर लिया तो अगले को जब ये मशीन हैंडओवर की तो उस बेचारे के लिए कितने साल इसकी लाइफ रहेगी, 8 साल। अभी 8 साल की बेस पे मैं डेप्रिसिएशन निकालूंगा, लेकिन ये वाली डेप्रिसिएशन मैंने क्यों 10 साल की बेस पे निकाली है, क्योंकि ये तो अपनी बुक्स में डेप्रिशिएट कर रहा था इस तरह। तो आप बता दें जी, पेरेंट ने अपने लिए कितने की खरीदी थी, कितने साल इस्तेमाल की, पेरेंट तो डेप्रिशिएट 5.2 कर चुका होगा, आप पेरेंट ने सब्सिडी को कितने की बेच दी, 24 की, गेन बताएं 3.2। आप कंसोलिडेशन के एंगल से चीजों को सोचना शुरू कर दें, कंसोलिडेशन के एंगल से आपको याद होगा चीजें कैसे सोचते हैं, बैलेंस शीट में गेन जाते हैं या नेट गेन से खेलते हैं, नेट गेन से खेलते हैं। चलें जी शुरू करें, बोलें जी आप कंसोलिडेशन है, गेन बोलें, गेन 3.2। सब्सिडरी ने किस दिन खरीदा है, सब्सिडरी ने किस दिन खरीदा है, 11 अक्टूबर 2013 को नहीं, 11 अक्टूबर 2013 अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, कितने हो गए हैं सब्सिडरी को ये एसेट खरीदे हुए, 9 मंथ्स हो गए हैं, तो सब्सिडरी कितने महीने से इसको डेप्रिशिएट कर रही होगी, 9 मंथ से, तो गेन भी उल्टाना होता है डिप्रिसिएशन भी उल्टानी होती है। जी बोलें, इस टॉपिक में हम बुक वैल्यूज और सेल प्राइस से खेलते हैं या डिफरेंसेस से, डिफरेंसेस से। 3.2 की रिमेनिंग लाइफ, टोटल 10 है तो रिमेनिंग 8 मल्टीप्लाइड बाय 2.9. क्या जवाब आ गया, 2.9। किसने बेचा, पेरेंट ने। अदर इनकम डेबिट, पीपी क्रेडिट करूं या फिर सीआरई डेबिट कर दूं, सीआरई, क्योंकि बैलेंस शीट के सवालों में अलग अलग खेलते हैं या नेट से खेलते हैं, नेट से। पोस्ट कराएंगे ये फिगर, सीआरई डेबिट, पीपी क्रेडिट। अच्छा देखिए, एडजस्टमेंट्स वही हैं जो हम पिछले दिनों से कर रहे हैं, लेकिन अब आईकैप उसकी अंग्रेजियां थोड़ी बदल बदल के ना इन्फॉर्मेशन डिफरेंट तरीके से दे रहा है, एडजस्टमेंट्स वही हैं। जी मोहतरम बोले, पी टू एस वाला, गेन रिवर्सल, सीआरई डेबिट और पीपी क्रेडिट। अच्छा वो जो आखिरी लाइन मैंने कटवाई है, जी जी किसने खरीदा था अपने लिए, बताएं जल्दी सारे,
पेरेंट ने अपने लिए खरीदा था, अपने लिए किस दिन खरीदा था? सब्सिडरी को किस दिन बेच दिया? तो पेरेंट ने अपने लिए खरीदी हुई चीज क्या समझा था, कितने साल चलाऊंगा, लेकिन अनलकीली खुद कितना अरसा चला सका? तो 10 साल से डिवाइड करेंगे तो एक साल की डिडक्शन आएगी। खुद कितने अरसे से डेप्रिशिएट कर रहे हैं? 2 साल से। अब सब्सिडरी को क्या मौका देगा, बकाया कितने साल वो डेप्रिशिएट करे इसको? जी आप पूछे, समझ आ गई? जी जी हाँ ठीक है। देखें डेट ऑफ परचेज से डेट ऑफ सेल तक डिडक्शन निकलती थी। आप ईयर एंड के अतबार से देख लें तो बहुत लंबा काम हो जाएगा सोचने वाला। तो 1 अक्टूबर 15 है और 1 अक्टूबर 13 है, तो 1 अक्टूबर 13 है तो उसके बाद कौन सा 3 अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ये 9 मंथ्स हो जाएंगे पहले। तो फिर 9 मंथ्स के बाद जो है वो फिर 12 महीने आएंगे, क्योंकि 9 मंथ्स आएंगे 30 जून 14 तक, फिर 30 जून 15 तक 12 महीने आएंगे, और फिर जुलाई अगस्त सितंबर के 3 महीने। तो ये 2 साल ही बन गए टोटल। तो 2 साल से मुसलसल डेप्रिशिएट कर रहे हैं। तो जब 2 साल से मुसलसल डेप्रिशिएट कर रहे हैं तो इतना ज़्यादा मुश्किल हमें बात करने की जरूरत है। तो डेटा और मुझे ये याद है शायद इंट्रो के टीचर भी जब भी एसेट बिकता था तो वो कहते थे डेट ऑफ परचेज और डेट ऑफ सेल के दरमियान साल गिन लें। तो आप लोग साल गिनते थे और सालों को डेप्रिशिएट करते। अच्छा आखिरी लाइन पढ़े जी, हाउएवर नो पेमेंट हैज बीन मेड बाय एस, लेकिन एस ने पेमेंट नहीं की। तो मतलब मेरे ख्याल से तो ना फिर ऐसा होना चाहिए था कि अभी तक एस ने इसके पैसे नहीं दिए, तो 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 ये कर लें, ये कर लें। सवाल कहते हैं एस ने अभी तक पैसे नहीं दिए, बल्कि किसी तरह अगर कैश बॉल मिटा के ही ना, रबड़ से अगर पेंसिल से नोट करें आप, कैश मिटा के ही रिसीवेबल लिख लें, क्योंकि सवाल कह रहे हैं एस ने अभी तक पैसे नहीं दिए। अच्छा आप मुझे बताएं एस ने अगर पैसे नहीं दिए तो फिर पी की बुक्स में ये रिसीवेबल होगा, पी का डिस्पोजल अकाउंट मान रहे ना, और एस की बुक्स में ये पैसे पेबल होंगे। तो सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर क्या आज फिक्स्ड एसेट का भी रिसीवेबल पेबल नजर आ रहा होगा? अब किस अमाउंट से नजर आ रहा होगा पता नहीं, बच्चे क्यों कहते हैं बुक वैल्यू से नजर, वो भाई जितने का बेचा है बता दें, सब्सिडरी ने खरीदा कितने का है? 24 का। तो ये अगर कभी पेपर में लाइन आ गई तो ये एक धमाका लाइन है जो डेटर क्रेडिटर की तरह उल्टाएंगे, ये एक धमाका लाइन है जो लोन रिसीवेबल पेबल की तरह उल्टाएंगे। तो सब्सिडरी क्या कह रही है, मैंने पैसे अभी तक नहीं, अच्छा ऐसा तो नहीं लिखा हुआ मैंने भेज दिए हैं पहुंचे नहीं, पहुंची हुई सरकार ना बनेगा खुद ही पेपर में, ऐसा तो नहीं लिखा हुआ सवाल में कि सब्सिडरी कह रही है मैंने तो भेज दिए हैं अभी तक पेरेंट तक नहीं पहुंचे, कोई ट्रांजिट का चक्कर नहीं है। सब्सिडरी ने क्या क्लास बोला है, मैंने पैसे अभी तक, इसका मतलब है सब्सिडरी कह रही होगी पेबल है, सब्सिडरी कह रही होगी। आप कह दें कि जी मैंने अभी तक फीस नहीं दी, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है आपकी नज़र में पेबल है और कॉलेज की नज़र में, चलें जी सब्सिडरी बर्मला कह रही है मैंने अभी तक पैसे नहीं दिए, तो पेरेंट का क्या होगा, मेरी बुक्स में भी इसलिए अभी तक रिसीवेबल आ रहा है। तो खत्म करें जी रिसीवेबल पेबल करंट एसेट्स में, ये आज एक नई एडजस्टमेंट है धमाका एडजस्टमेंट। दिशा किस पे स्टार डाल लें, ऊपर लिख लें मजा आया स्टार डाल के, ये 24 की नई एडजस्टमेंट है। हालांकि डिस्पोजल में और कोई एंट्री होती नहीं थी, आज एक नई एंट्री हमें करनी पड़ी है। ये वाली एडजस्टमेंट टेस्ट में भी आई थी, अच्छा डिप्रिसिएशन तो जब से गेन आया तब से गलत चार्ज हो रही है ना, पहले का तो मसला नहीं। अच्छा जी अब आप मुझे बताएं, हमेशा से तो नहीं गलत चार्ज हो रही, जब से बेचे तभी से हो रही है ना, हाँ नहीं नहीं वो रिमेनिंग लाइफ सारी बातें सब्सिडरी अपनी किताबों में 8 साल पर डेप्रिशिएट करी होगी, क्योंकि उसको भी उसके पता है जो चीज़ मिली है उसमें जान कितनी है। ओके अच्छा मोहतरम आप कितने लोग कह रहे हैं ये छोटी मोटी लाइनें हम नहीं सवाल में पढ़ते होते, ये जो एडजस्टमेंट के एंड में छोटी मोटी लाइन लिखी होती है ना, भाई जान इसे लिफ्ट करानी है। ओके इन पोस्ट एक्विजिशन पीरियड जब से हमने इसको बेचा हुआ है, पेरेंट ने सब्सिडरी को जब से खरीदा हुआ है समझ लें, पोस्ट एक्विजिशन कब से खरीदा हुआ है, यह कम अगस्त से। आपस की सेल कितनी है जी, 80, उसमें से कितनी नहीं बिक सकी, 20। तो ये तो मशहूर जमाना ट्रांजेक्शन है, बताएं जी सोल्ड कितने हैं, वर्किंग नंबर 9 दो यार सोल्ड बोलें, अनसोल्ड, अनसोल्ड का प्रॉफिट बोले तो 20 डिवाइडेड बाय 125 मल्टीप्लाइड बाय 25 4। अभी बैलेंस शीट का सवाल करें या P&L का, तो फिलहाल फिलहाल टेंशन ना लें इनकी, फिलहाल इस 4 की एंट्री बता दें, SRE डेबिट स्टॉक क्रेडिट,
ये जो मैंने रेड में नोट किया है ये है हमारी वर्किंग 9, सर्कल लगा दिया। तो बताएं जी SRE डेबिट स्टॉक क्रेडिट कितने से, इसको जल्दी करें फिर आगे हम मूव करते हैं। SRE डेबिट स्टॉक क्रेडिट S2P, वी आर वेरी लकी, आज भी अल्हम्दुलिल्लाह 20 मिनट हमारे पास बचे हैं, P&L आराम से बनाएंगे। तो अब टोटल्स करने हैं यार, एक छोटे से मार्क्स हैं रिटेन्ड अर्निंग के, उसके ऊपर मैं डिस्कशन करता हूं, लेकिन पहले एक बात कर जाऊं। मोहतरम एस ने डिविडेंड डिक्लेयर नहीं किया, बड़ी बर्मला मैंने आपसे बात की, इसने क्या कर दिया है, पे कर दिया। तो जब एस ने डिविडेंड पे कर दिया है तो फिर अगर मैं आने लगा हूं कॉन्सेप्ट नंबर 1 में, तो सब्सिडरी जब भी डिविडेंड का बांटेगी तो क्वेश्चन 12 के 5 सिनेरियोज में से कोई सिनेरियो होगा। वर्किंग 6 करते हुए, अच्छा ऐसा तो नहीं होता इमाम साहब रुकू में पहुंचे हो, तू जो है वो भी खड़ा होता है, इमाम साहब सलाम फेरे हो, तू अता याद पड़ा होता है मुझे लग रहा है। अच्छा इधर देख, अच्छा क्या बदगुमानी ना करो, अच्छा अच्छा मोहतरम मुझे ये बताएं कि सब्सिडरी जब भी डिविडेंड बांटती है तो इसे किस किस को खुशी होती है। बहरहाल हमें साइड पे सोचने की जरूरत ही नहीं, सब्सिडरी जब भी डिविडेंड बांटती है, हमने क्वेश्चन 12 के कितने सिनेरियोज देखने हैं, 5। अब क्वेश्चन 12 के 5 सिनेरियोज को देखें और देखे बगैर ही मुझे बता दें कि ये कौन सा वाला सिनेरियो है, 5वां सिनेरियो है, यानी कौन सा। एक कल के होमवर्क में था, उसने थोड़ा टफ टाइम दिया था, वो दोनों ने रिकॉर्ड नहीं किया हुआ था, लेकिन आज क्या है पेड वाला सिनेरियो है, तो मैं क्या कह सकता हूँ ये 5th सिनेरियो है। बहुत गंद मच गया सफ़े पे, क्या मैं कह सकता हूँ ये 5th सिनेरियो है। तो कोई रिसीवेबल पेएबल पड़े होंगे, सोचें भूल गई क्लास, लेकिन सोचें पेड अगर हो गए तो कोई पेएबल रिसीवेबल पड़े होंगे या मिल गए हैं पैसे, तो आपको याद है ये नथिंग डन वाला सिनेरियो था, कुछ भी नहीं करना। तो इस एतबार से आप कुछ ना सोचें, बस 5th सिनेरियो है, बात खत्म होगी। चलें जी आप मुझे बता दें ये रिटेन्ड अर्निंग मुझे किस दिन की चाहिए, यकम अगस्त 15, किस दिन की चाहिए जी बोले, यकम अगस्त 15। शुक्र है मैं वर्किंग 6 कर बैठा था, अगर मैं वर्किंग 6 ना करता ना तो फिर परेशानी हो जानी थी। शुक्र है मैं वर्किंग 6 पहले से कर बैठा था। आप बता दें क्या करूं, मुझे यकम अगस्त के प्रॉफिट चाहिए या मुझे यकम जुलाई के प्रॉफिट चाहिए, सॉरी यकम अगस्त की रिटेन्ड अर्निंग चाहिए या यकम जुलाई की, यकम अगस्त की, ये किस दिन की है। अगर मैं इसमें एक महीने के प्रॉफिट डाल दूं तो ये यकम अगस्त की रिटेन्ड अर्निंग आ जाएगी। ये किस दिन तक, मैंने कहा था ये कम्युनिकेशन टाइप चीज होती है, फर्स्ट कर लो ये ओपनिंग कम्युनिकेशन है, ये साल कम्युनिकेशन है, ये क्लोजिंग कम्युनिकेशन है। तो ओपनिंग कम्युनिकेशन में अगर एक दो महीने की डिप्शन डाल दें तो किसी भी टाइम पे खड़े होकर कम्युनिकेशन निकल सकती है। तो सिमिलरली ये कौन सी रिटेन्ड अर्निंग है, होमवर्क के सवाल में भी किया होगा आपने, ये ओपनिंग रिटेन्ड अर्निंग है, ये पूरे साल का प्रॉफिट है, लेकिन हमें इसमें से सिर्फ कितने का फिलहाल चाहिए, एक महीने का, ताकि मैं यकम पकड़ें जी वर्किंग 1.1 में समझ लें जो मर्जी कर, मेरे जगह नहीं है उधर। 400 प्लस 180 का 1/12 415, नहीं नहीं डिविडेंड कुछ नहीं करेंगे, हमारे स्कोप में नहीं है इस तरह की चीज, 400 ना 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 वो अलग डिस्कशन है, वो हमारे सिलेबस में नहीं है, 415 उसकी भी एक डिस्कशन होती है लेकिन वो स्कोप से। कल कितने 12 किया था, 2/12, आज 1/12 डन। चलें जी 895, एनसीए को प्रोपोर्शनेट भी रखना पड़ेगा आज, 895 इंटू 40% 350। चलें जी अभी बैलेंस शीट का सवाल हमारा चल रहा है, गुडविल टाइम पॉजिटिव आ रही है नेगेटिव, नेगेटिव आ रही है गुडविल, इसको अपने अदर इनकम में लेके जाना है, लेकिन वो P&L के सवाल में याद कराइएगा, फिलहाल इसको मैं CRE में ले जाता हूं। बताएं जी 347 नेगेटिव गुडविल, एक खुशी है 347, कैरी डाउन निकलवा दें। जी CRE NCI, अच्छा आप डायरेक्ट बता रहे हो, चलो बता दो 12.8 इंटू
7.7 जी बोले 5.1 जी बोले जी कह रहा हूं कितना 1151.363.1 11.8 -4 भी करना 7.9 2368.9 Okay, have a quick review. इधर आइए। लोन रिसीवेबल हमें नजर नहीं आ रहा था, ये एक मिनट शायद आप दे दें तो आप कंफर्टेबल फील करें। लोन रिसीवेबल नजर नहीं आ रहा था तो कहां पड़ा हुआ था? इन्वेस्टमेंट्स में। दूसरा सवाल को पहले फेयर वैल्यू टेस्ट से गुजारना है, फिर इंपेयरमेंट, और जो फेयर वैल्यू गेन लॉस है, इंपेयरमेंट गेन लॉस है, उससे एंट्री करनी है। नेक्स्ट, ये लाइन स्काई ब्लू वाली, कल एसेट बेच दिया था लेकिन बेचने वाले की बुक्स में बुक वैल्यू गिवन, वो बेचने वाले की बुक्स में कॉस्ट भी गिवन थी, बेचने वाले की बुक्स में डेट ऑफ परचेज भी गिवन थी, तो वहां से हमने बुक वैल्यू निकाल ली। अच्छा, और इसके बाद पोस्ट एक्विजिशन पीरियड के अंदर जो है वो सेल हुई है स्टॉक की, ये तो नॉर्मल एडजस्टमेंट थी। अच्छा, आज के बाद इस वर्किंग, इसको ना हमने दो एंगल से पढ़ा करना है। वर्किंग सिक्स में लेके जाने जाने अलग बात है, और कंसोलिडेशन का सवाल करते हुए इसको क्या करना है वो अलग बात है। वर्किंग सिक्स समझने सवाल का डेटा है, तो वर्किंग सिक्स में सिर्फ कब लेके जाया करेंगे, जब अकाउंटेंट ने रिकॉर्ड, तो अकाउंटेंट ने रिकॉर्ड की हुई थी इसलिए वर्किंग सिक्स में लेके, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कंसोलिडेशन की कोई एडजस्टमेंट हो गई है। और जब कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाने लगेंगे, इस एडजस्टमेंट को दोबारा पढ़ेंगे किस एंगल से, कि क्या ये सिनेरियो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है या 5 है। कौन सा सिनेरियो बना? 5। जब ये फिफ्थ सिनेरियो बना तो क्या साबित हुआ? कुछ भी नहीं करना। लेकिन वर्किंग सिक्स में इसलिए लेके जाते हैं क्योंकि मिसिंग फिगर्स निकालनी है, अकाउंटेंट वाली वो निकालना। ओके, प्रॉफिट एंड लॉस बता दें क्या करूं, सारी फिगर्स उठा लेते हैं और यहां से लेके 300 का 11/12 करेंगे, 100 को 11/12 करेंगे, इस 20 को 11/12 करेंगे और इस 180 को 11/12 करेंगे। जी अब इसको होल्ड कर लो, मैं ये बना लूं फिर पूछ लेना। बताएं जी, सेल बोलें 500 जमा 300 इंटू, आगे बोलें कॉस्ट ऑफ सेल 240 इंटू 11/12, आगे बोलें अदर इनकम, जी बोलें 190 और अगले की जीरो, आगे बोलें जीरो इंटू 11/12, ऐसे समझने के लिए। एक्सपेंसेस 40+20 इंटू 11/12, जी वर्किंग फाइव, किसका प्रॉफिट? एस का प्रॉफिट, जी बोले 180 इंटू 165। चलिए शुरू करें आप एडजस्टमेंट्स। सब हुआ है या फिगर्स निकालनी पड़ेगी कैलकुलेटर पे? सब हुआ है, हैंड रिटन पेज 7 खोलने की जरूरत पड़ी, खोल लेंगे, लेकिन आज शायद खोलने की जरूरत नहीं पड़े, इतने बड़े हो गए खोलने की जरूरत नहीं पड़े। एडजस्टमेंट नंबर 1 तो लोन रिसीवेबल पेबल की है, बैलेंस शीट में फारिग हो गई। अच्छा, एडजस्टमेंट नंबर 2 जरा देखें आप ऊपर, एडजस्टमेंट नंबर 2 ये वर्किंग 1 में जाने, लॉस पी एंड एल में ना लेके जाइएगा, ये बैलेंस शीट की चीज है, ये वर्किंग 1 में जाने, पी एंड एल में कभी ना लेके जाइएगा, एक्विजिशन डेट वाला, ये बैलेंस शीट की चीज है। अब हैंड रिटन पेज 7 खोल के आप देखें कि ये जो रिवेल्यूएशन सरप्लस आ रहा है या रिवेल्यूएशन लॉस आ रहा है, तो रिवेल्यूएशन लॉस आ रहा है।
तो ऐसी सूरत में सबसे पहले तो ना फेस पे एक पोस्टिंग मुझे करवा दें, फिर मैं हैंडरन पेज खोलता हूँ, फेस पे पोस्टिंग करवा दें, डेप्रिसिएशन बिल्डिंग की कम कर दो। कहीं ये तो नहीं लिखा हुआ फैक्ट्री बिल्डिंग है, कहीं ये तो नहीं लिखा हुआ फैक्ट्री बिल्डिंग है, नहीं लिखा हुआ, इसलिए मैं कॉस्ट ऑफ सेल में नहीं डाल रहा, बल्कि कहाँ डालने लगा हूँ, एडमिन में। तो करवाएं जी, डेप्रिसिएशन कम कर दो। अभी फेस पे पोस्टिंग कराएं, आप वर्किंग फाइव की बातें बोल रहे हैं मुझे लग रहा है, मैं फेस पे पूछ रहा हूँ। डेप्रिसिएशन कम कर दो, डेप्रिसिएशन माइनस 1 पॉइंट। चलें जी, पहली एडजस्टमेंट करें, डेप्रिसिएशन कम कर दो। क्रेडिट है, डेबिट तो नहीं हो रही ना, क्रेडिट ना ना ना, साथ साथ पूरी बैलेंस शीट पहले बनाएं। कुछ कुछ बच्चे कहते हैं पीएनएल बैलेंस शीट चार बनानी है, और भाई पागल हो गए हो, बैलेंस शीट बनाने की आदत पड़ी हुई है, पहले पूरी बैलेंस शीट बना लें और फिर एडजस्टमेंट्स को इस एंगल से पढ़ लें कि पीएनएल में कैसे लेके जानी है, इस तरह फील ज्यादा कंफर्टेबल करोगे। चलें जी, आ जाएं आप मोहतरम, हैंड रिटन पेज 7 खोलें, हैंड रिटन पेज 7 में बताएं कौन सा सिनेरियो है ये। चले भी नहीं खुल रहा पेज, पता नहीं क्यों नहीं खुल रहा। हाँ बताएं जी, किसका एसेट डेप्रिशिएट हो रहा है, सब्सिडरी का। तो जब सब्सिडरी का एसेट डेप्रिशिएट हो रहा है तो डेप्रिसिएशन कम होने से प्रॉफिट बढ़ते हैं, डेप्रिसिएशन कम होने से प्रॉफिट। और ये एडजस्टमेंट यार हमने यहां भी तो पोस्ट की हुई है 1.8 वाली, और जाके हैंड रिटन पेज पे देखें लिखा हुआ हिट वर्किंग 5, हैंड रिटन पेज 7। मिल गया, कितना जी एडजस्टमेंट नंबर कौन सी, 101 पेज पे, रिकॉर्डिंग ऑफ रिवैल्यूएशन लॉस ऑन एसेट्स हिट वर्किंग 5, टिप्स इन काम करते हुए। चलें जी आगे चलें, अगली एडजस्टमेंट कौन सी है भाई, सेल ऑफ स्टॉक, सेल ऑफ ना ना ना, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। अगर मैं आपको कहूं कि इन एंट्रीज को मैंने अलग अलग कल किया था, तो ये बात याद है, इन एंट्रीज को मैंने अलग अलग किया था, कैसे अलग अलग किया था, कोई याद आ रहा हो, गेन उल्टाने की एंट्री बोलें, अदर इनकम डेबिट, बिल्डिंग, बिल्डिंग नहीं है ये मशीन है, अदर इनकम डेबिट, पीपी क्रेडिट, एसेट कम होने से डेप्रिसिएशन, डन 3 पॉइंट, ये सारी कल वाली बातें हैं 0.3। पहले फेस पे ले जाएं, फिर वर्किंग वन का सोचते हैं। लेकिन यार फेस पे लेके जाने से पहले एक एरर हुई भी है बेचारे अकाउंटेंट से, उसे सही करवा दें। एक एरर हुई, इन दोनों से पहले की एंट्री में करवाऊंगा, एक एरर हुई भी है अकाउंटेंट से, उसे जरा सही करवा दें। वो एरर क्या हुई भी है अकाउंटेंट से, गेन उसने गलती से कहां डाल दिया है, सेल अकाउंट में। मैंने माना इस सफे पे जगह नहीं बची, लेकिन रेक्टिफाइंग एंट्री क्या बनेगी, सेल डेबिट कर दें और अदर इनकम, गेन्स को कहाँ डालना चाहिए, सेल में, अदर इनकम में, अदर इनकम में बेचारे ने कहाँ डाल दिया गेन, किसी को गेन की फिगर याद हो, 3.2। ये एंट्री आज एक मेरी तरफ से, ये इन दोनों एंट्री से मैं पहले करूँगा। तो बताएं जी, गेन कहाँ पड़ा होना चाहिए, कहाँ डाल दिया है, कहाँ से निकाल दें, से कहाँ डाल दें। पहले वो जो अकाउंटेंट ने ब्लंडर मारा है ना, उसे मैं रेड मार्कर से सही करने लगा हूँ। सेल से निकालें गेन 3 पॉइंट, ये कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट नहीं है, आपस से गेन रिवर्स नहीं हो रहे अभी, ये एक रेक्टिफाइंग एंट्री है। अब आपको फील हो रहा है गेन अदर इनकम में आ गया है, अब उसे निकाल दें, अब उसे निकाल दें, अब आ गया तो आप निकाल लें, क्लियर। तो आप कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट मुझे करवाएं, सोचा क्या था बच्चे को सहन में लाके अब्बू मार के घर से जरा थोड़ी देर के लिए निकालेंगे, सहन में लाके घर से निकालेंगे, अब वो था बेडरूम में, बेडरूम से निकाल के सहन में लाएं, अब उसे निकाल दें। तो अब बताएं कल वाली एंट्रीज, शुक्र है ये तो कल कर ली थी, ये बैलेंस शीट में जाने हैं, ये बैलेंस शीट में इनकम कम खर्चे कम, दोनों जगह माइनस साइन। अब कंसोलिडेशन की एडजस्टमेंट आने लगी है, इनकम कम खर्च, यार ये मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, ये कॉस्ट ऑफ सेल में जाएगा, एडजस्टमेंट पढ़ के देखें, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, पढ़े ना, एडजस्टमेंट नंबर कौन सी है, 3, कहीं लिखा हुआ है मैन्युफैक्चरिंग का लफ्ज़, नहीं लिखा हुआ, मशीन का लफ्ज़ लिखा हुआ है, मशीन कहाँ पड़ी होती है फैक्ट्री में,
मशीन हमेशा ज्यूम करेंगे फैक्ट्री में पड़ी होती है, मशीन के बारे में आप ये नहीं कह सकते मशीन जो है वो दफ्तर में पड़ी हुई है, मशीन दफ्तर के अंदर पड़ी हुई है, उसके ऊपर सीईओ ने बैठ के जो है वो अंडे देने तो यार वो जनरेटर वगैरह हो सकता है, फिर सवाल बता देता। तो मशीन आमतौर पर बताएं मशीनें कहाँ पड़ी होती हैं, फैक्ट्रीज में। मशीन के लफ्ज़ को अंडरलाइन कर लें। इस वजह से डिप्शन का खर्चा कहाँ से निकाल लूँ, कितना, 0.3। समझ आई बात, सोच के रहे हो दादा, यही से निकालना चाहिए। अच्छा नोट कर लिया, इधर देखें जी, अदर इनकम कम, डेप्रिसिएशन कम, अदर इनकम कम, डेप्रिसिएशन कम, फोटो में रेजोनेंस आएगी, बोलो कम कम। किस शहजादे ने बेचा, पेरेंट ने बेचा, हैंड रिटन पेज 7, पेरेंट ने बेचा, एडजस्टमेंट नंबर 6, हैंड रिटन पेज पे सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट बाय P2, ये एंट्रीज करने के बाद डू नॉट हिट वर्किंग 5 की जरूरत नहीं है। डन, चीजें कंफर्टेबली आपको शायद लिंक हो रही हो। और अभी आखिरी एडजस्टमेंट मोहतरम, ओहो ये तो मशहूर जमाना यार, इसको जल्दी फारिग करें। 80 के साथ क्रॉस नहीं लगाना आप, 80 को दोनों जगह से माइनस करना है, 80 को जल्दी से माइनस करो, -80 -80 सबसे आसान नहीं है, मुझे पता है यहां तक लाते लाते एक दिन कितना टाइम लग गया था। -80 -80 इसकी एंट्री बताएं आप, इसकी एंट्री बदल जाती है जहां कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट स्टॉक क्रेडिट, 4 रुपए को डेबिट कर दें प्लस 4। अब जाएंगे हैंड रिटन पेज नंबर 7 पे, सेल ऑफ स्टॉक बाय S2P, इसमें सिनेरियो 3 है, S ने बेचा ना, तो किसने प्रॉफिट बुक किया है, S ने। प्रॉफिट बता दें कितना बुक किया है, 4 का। चलें जी बताएं, डन। और यार ये ना कहिएगा सर कभी कभी मेरा दिल चाहता है ये 1.8 और 4 लिख लूं, वर्किंग 5 मेरा करने को दिल ना चाहे, ना करें अभी ऐसा ना करें, क्योंकि हिस्ट्री सीए ना ले, मैं आने वाले दिन बताऊंगा ऐसा ना किया करें, बेहतर नहीं है। मैं मान रहा हूं एसआरई और एसएफ प्रॉफिट एक ही चीज है यार, वो एस की अर्निंग की बात हो रही है, एस के प्रॉफिट्स की बात हो रही है, तो वही चीजें हैं। ओके ओके, 0.5 की मैं बात बाद में करता हूं। एक चीज जो आप मुझे याद करवा दें, अल्लाह आपका भला करे और आपके साथ वाले को जन्नत में ले जाए, आप भी किसी के साथ हैं, जल्दी बता दें एक चीज आप मुझे बता दें जो रह गई है, एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट अदर इनकम क्रेडिट नेगेटिव गुडविल, ये भूल जाते हैं बच्चे, मैं भूल गया 347, डन 347। चलिए जी अब हमारे पास ये समझ आ गई ना, एडजस्टमेंट डेबिट अदर इनकम क्रेडिट। अब हमारे पास डेप्रिसिएशन, यार वो हमने यहां से नहीं निकाली ना, आपका दिल चाह रहा है खर्चों से निकाल दो, लेकिन मुझे ये लग रहा है मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इधर पड़ा होगा तो उसकी डेप्रिसिएशन फिर इधर होगी, क्योंकि ये P2S वाली है, हैंड रिटन पेज 7 देखना। ओके अब जी एक एडजस्टमेंट है छोटी सी जो मैं आपको कल समझा दूंगा, आज सिर्फ पोस्ट करवा देता हूँ क्योंकि होमवर्क में भी आएगी। असल में ना जब डिविडेंड बांटा जाता है ना तो जिसको मिलता है, सारे जाग जाएं, जब डिविडेंड बांटा जाता है ना तो जिसको मिलता है वो अदर इनकम में डाल लेता है, तो बताएं सब्सिडरी ने डिविडेंड बांटा कितना, बोले 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 बोले, सब्सिडरी ने बांटा कितना, 150। अगर सब्सिडरी ने बांटा तो मैंने आपको बताया था पे भी हो गया, तो अगर सब्सिडरी ने बांट दिया तो मिला किसको, पी और अभी एनसीए की टेंशन ना लें, पी ने क्या इसको अदर इनकम में डाला होगा जब मिला होगा, कल बात करेंगे इंशाल्लाह इस पे तफसील से, पी ने इसको अदर इनकम में डाला होगा, जब पी ने इसको अदर इनकम में डाला होगा तो मोहतरम क्या पी की किताबों में अदर इनकम में सब्सिडरी का पूरा डिविडेंड आ रहा होगा या सिर्फ अपना हिस्सा, क्या पी ने अदर इनकम में पूरा सब्सिडरी का डिविडेंड डाल, मिल चुका है ना, एग्री हो गया, पे हो गया, तो बता दें सब्सिडरी का जो डिविडेंड है वो पेरेंट को पूरा मिला होगा या अपना हिस्सा, अपना हिस्सा मिला होगा, तो उसको माइनस करना है। तो ये आखिरी एडजस्टमेंट है, कल इंशाल्लाह इसको डिस्कस करेंगे, मुझे सिर्फ अभी फिगर बता दें टोटल डिविडेंड कितना है, 150 का कितना मिला होगा इसको, 60%, कितना बन गया, 90। ये 90 पेरेंट ने कहां डाला होगा, कल इंशाल्लाह 10 मिनट इस पे दोबारा लगा दूंगा, ठीक है, तो अदर इनकम से इसको निकाल दें, बोले बोले माइनस 90, डन, ठीक है। अब आप हजरात चले जाएं, मैं रिकॉर्डिंग जारी रखता हूं।
और जो नोट्स अटैच करूंगा उसमें इंशाल्लाह इसके सॉल्यूशन के इतने वाले पिक्चर की पोर्शन वो मैं शेयर कर दूंगा। नोट्स में पेज 2 पे देखिएगा, वो अवेलेबल होगा। तो जिनकी क्लास है वो चले जाएं, आप रिकॉर्डिंग जारी रखो, मैं टोटल कर लेता हूं। ठीक है, जिन्होंने जाने उनको इतना जाने दें। अब कुछ भी नहीं रह गया, क्या रह गया बोलो? NCA यहां से निकलेगा और एट्रिब्यूटेबल वाली वर्किंग हो जाएगी। ठीक है, जिसने जाने उसको जाने दें पहले। ये एडजस्टमेंट हम कल करेंगे दोबारा, लेकिन होमवर्क में भी होगी 90 वाली, कल समझ लेंगे दोबारा होमवर्क। अगला सवाल, कल इंशाल्लाह ना तसल्ली से मुझे याद करेगा, बल्कि आधा घंटा इस सवाल पे दोबारा लगा लेंगे। आप और बताएं, कल आधा घंटा इस सवाल पे दोबारा लगा लेंगे। जो जो इस सवाल में मसले हैं उनको ले आइएगा, कल टाइम इस पे दोबारा लगा लेंगे। और होमवर्क के सवाल पे भी टाइम लग जाएगा, निकल लेने गुजरने दे सबको। पॉज कर दो जरा, टोटल सब चेक कर लेना किसी से, वरना कल बता देना, कोई मसला नहीं। करो करो, चलें जी, यहाँ तक हमने ये टोटल्स कर लिए। मैंने जरा कैमरा पॉज कराया था, एट्रीब्यूटेबल टू करके खत्म करवाएं। पेरेंट टेक्स नहीं है आज के सवाल में, है नहीं है CRE नो नीड। अब जितने सवाल आपके जहन में है कल के क्लास में लेके आइएगा, सवाल में से करेंगे डिस्कस। 160 मल्टीप्लाइड बाय 40% 65.12 12 नहीं 8 to 6.7 0.7 0.8 0.7 ठीक है ना, 0.12 है तो पता नहीं, तो करवा दिया। ठीक है, ओवर करो।